लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा प्रसीद मातर्जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य। और बहनों, देवी और सज्जनों, इधर आओ इधर आओ। अरे चलती फिरती होटल का कमाल देखो, गर्मा गर्म खाना लो, बाद में सिनेमा का मजा लो। 2 रुपए की भेलपुरी एक टिकट असली दाम पे, काले बाजारों को लात मारो। 2 रुपए की भेलपुरी एक टिकट असली दाम पे, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। 2 रुपए की भेलपुरी एक टिकट असली दाम पे, आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ। 2 रुपए की भाई, धक्का ए धक्का ले धक्का ले। 4 रुपए की भेलपुरी देना रे, इधर आ। 2 टिकट ले, 2 टिकट। हां 4 रुपए की भेलपुरी देना। हां बोलो सरदार जी, कितना टिकट? 2 टिकट ये लो सरदार जी, 2 टिकट। 4 रुपए की भेलपुरी देना भाई इधर। अरे ना भैया, भेलपुरी खत्म। अरे तुझे, अबे साले चूना लगा दिया ना। ये जबान संभाल के बात करना, हाँ जरा तमीज से। हाँ अबे तेरी तमीज की तो मैं देख, इसको अभी मैं कुछ बोलता। अरे बोल, तू पहले बता मुद्दल के भाव में टिकट काहे को बेचा। अबे ये टिकट का बंडल कहां है, उसेड़ लो में नुकसान कौन भरेगा? तू पहले बता इधर किसको पूछ के गाड़ी लगाया? तेरे को मालूम इधर का दादा कौन है इस एरिया का? भोपत दादा है। अबे लोग सांस भी लेते हैं ना बेटे, पूछते हैं सांस ले के नहीं ले चूल्हा लगा के, और तूने इधर बगैर पूछे गाड़ी लगा। एक मिनट, तेरे ये भूपत दादा के पास सरकारी सर्टिफिकेट है क्या कि सांस लेना हो तो उनसे इजाजत लेनी पड़ती है? अबे फुगनी के कलिंगड़ निकाल डालूंगा क्या ज्यादा 3-5 करेगा तो? देख अब तू शाना बन, माल निकाल और यहाँ से पतली गली से निकल, चल चल निकल। नहीं निकला तो? तो हम तेरी अर्थी निकालेंगे चूना लगा के। बड़ा दादा बन रहा है तू, आ गया मैं दूसरा फुकनी का। भाईजान ये चाकू भी आपका है? डाल डाल डाल, ये टिकट भी आपकी, चूना लगा दिया। ए बुढ़िया इधर आओ। कौन? अरे वही अमरनाथ, सुना तेरा कोई सगे में लगता है, इधर आओ। मालूम नहीं पर बात क्या है? अरे ज्यादा बात नहीं कर वरना लात मार के मुंह तोड़ दूंगा, जितना पूछता उतना बोल। कहाँ वो? अभी आएगा। मुझे नहीं मालूम। तेरे को नहीं मालूम? ए बुढ़िया अपन के साथ जास्ती होशियारी की या चलाकी की तो क्या होगा रे? चुना लगा के यही है वो अमर, लगा दो चूना। तो यही है वो अमरनाथ बेटा, अभी मैं तेरी भेल और पूरी बनाता हूँ।
क्या मैं पकनी के भाईजान आती है किसका एरिया भाई है ये आपका है भोपत के बाप का तू ना लगा के भाईजान ले जा अपनी मुर्गी का चला अरे बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी अरे नहीं मौसी भूख लगी है चल जल्दी से खाना अरे उस नमक का सत्यानाश हो उसने तो सारा खाना फेंक दिया मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ भैया हाँ नहीं नहीं ठहर जाए आज पानी पी के काम चला लेते हैं अरे बेटा नहीं एमए इन पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन गुड फुटबॉल चैंपियन रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी इन क्रिकेट एक्सेलेंट लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमारे देश में तुम जैसे जहीन और अकलमंद लोगों को नौकरी नहीं मिलती होना तो ये चाहिए कि तुम जैसे लोग इधर कॉलेज से निकले और उधर नौकरी दरवाजे पे इंतजार करें तो आप ही मेरी कुछ मदद कर दीजिए ना सर जरूर तुम्हें नौकरी देकर मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम जैसा जहीन और अकलमंद आदमी मेरे हाथ के नीचे काम कर रहा है मगर अफसोस है कि नौकरी मैं तुम्हें नहीं दे सकता एक जगह खाली थी लेकिन कल ही मिनिस्टर साहब ने फोन करके पर्सनली कहा कि वो नौकरी उनके साले को दे दी जाए इनकार भी नहीं कर सकता आखिर मिनिस्टर है और ऊपर से मेरी बीवी के भाई इसलिए आई एम सॉरी आप नौकरी कहीं और तलाश कीजिए अगर आप लोगों ने नौकरी का फैसला कर ही लिया था तो फिर अखबार में झूठे इश्तेहार देने की क्या जरूरत थी अपने ऑफिस के बाहर गरीबों और जरूरतमंद लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए देखिए मिस्टर आप मेरी बात सुनिए इस सोसाइटी में बेकारी का कैंसर फैलाने वाले आप लोग हैं अगर आज का पढ़ा लिखा नौजवान कोई गलत काम करता है जो जुर्म और गुनाह के रास्ते पर चलता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं बीइंग अ डैम पोस्ट ग्रेजुएट आई हैव टू सिट आउटसाइड अ सिनेमा हॉल एंड सेल भेलपुरी डू यू नो व्हाई बिकॉज़ आई डोंट वांट टू डाई यू कैन टेक दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्टार्ट भाइयों बेकारी भूख गरीबी जहालत इन सब ने जहरीले सांपों की तरह इस देश की गर्दन में अपने दांत गाड़ रखे हैं झोपड़े गिराने से या गरीबों को हटाने से गरीबी नहीं हटती गरीबी हटती है भूखों को रोटी देने से बेकारों को नौकरी देने से मगर इस देश में भगवान मिल जाता है मगर नौकरी कभी नहीं मिलती पढ़े लिखे नौजवान बीए और एमए की डिग्रियां लेकर सड़कों पे मारे मारे फिरते हैं मगर उनको नौकरियां नहीं मिलती क्योंकि रिश्वत जिंदगी के हर दरवाजे पर चौकीदार बनकर बैठा हुआ है और जब तक रिश्वत दो नहीं वो चौकीदार हटता नहीं बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना हो तो रिश्वत दीजिए कॉलेज में एडमिशन दिलाना हो तो रिश्वत दीजिए यूनिवर्सिटी में 6 नंबरों से पास कराना हो तो रिश्वत दीजिए और रिश्वत कैसे दी जाती है ये सिखाना हो तो रिश्वत दीजिए इसका मतलब है आज के दौर में इंसान के पास किस्मत हो या ना हो मगर रिश्वत जरूरी है उसके पास होना अरे आपने भी तो क्या किया आपने रिश्वत ली इसलिए सरकार ने आपको पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दिया नहीं ये झूठ है सरकार ने मुझे बदनाम करने के लिए चाल चली है मैंने इनकी घटिया और बेहूदा पॉलिसियों को मानने से इनकार कर दिया इसलिए मुझे सरकार ने पार्टी से अलग कर दिया ये झूठ बोलता है शंकर नारायण चोर है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ आप मेरी 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 बात सुनिए आप लोग आप भाइयों गरीबी और बेकारी हटाने की बातें कर रहे हैं एक मिनट इन्हें बोलने दो बाद में सवाल करेंगे इनसे हम नहीं सुनेंगे बिल्कुल नहीं सुनेंगे अरे नहीं सुनना है तो यहाँ क्यों खड़े हो चले जाओ ना हम नहीं जाएंगे तू कौन होता है चमचागिरी करने वाला मुंह संभाल के बात करने तो दूंगा किसने मारी ये चप्पल चलो भीड़ का फायदा उठा करके जूता चप्पल मारता हो अरे माँ का दूध पिया तो आजा सामने सामने आ गया चप्पल मार ऐसे होता है साहब हम जब भी सच बोलने की कोशिश करते हैं तो दुश्मनों के गुंडे आकर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं अरे कौन रोकता मैं देखता हूं आप बोले साहब मैं देखता हूं कौन रोकता है शाबाश ऐसे ही बहादुर नौजवानों की हमारे देश को जरूरत है जिनके खून में ईमान की गर्मी हो जिनको सच परखने की सलाहियत हो ऐसे नौजवानों की जरूरत है बाकियों की नहीं है नमस्कार साहब मेरा मैं अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था इनसे मिलो ये हमारे पार्टी के खास मेंबर हैं नमस्ते ये अमर है और इनसे तो तुम मिल चुके हो हमारी पार्टी के सेक्रेटरी मिस्टर विक्टर जयराज नमस्ते हमारी पार्टी के अध्यक्ष शंकर नारायण जी अभी अभी तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे अब देखिए ना कितनी दुख की बात है
अमर जैसा नौजवान जिसने एमए फर्स्ट क्लास में पास किया है, इसके पास नौकरी नहीं है। इस जानम की आग को बुझाने के लिए ये सिनेमा थिएटर के बाहर भेलपुरी बेचता है। इसकी ये कहानी सुनकर मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं रात भर सो नहीं सका। क्या भारत की आजादी के लिए हमारे शहीदों ने खून इसलिए बहाया था कि उनकी आने वाली नस्लें तालीम हासिल करके सड़कों पर भेलपुरियां बेचती नजर आए? किस काम की है यह सरकारी हुकूमत? बिल्कुल बेकार है। और अगर ये इसी तरह राज करती रही, एक दिन हिंदुस्तान की सारी जनता सड़कों पर भेलपुरियां बेचती हुई नजर आएगी। इसलिए अगर हिंदुस्तान को इस बुरे हाल से बचाना है, अपने भविष्य को संवारना है, तो अमर तुमको और तुम्हारे जैसे नौजवानों को मेरी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। सर, राजनीति पॉलिटिक्स नहीं, मुझे तो सिर्फ एक नौकरी चाहिए। लेकिन मेरी पार्टी गंदी सियासत से बिल्कुल पाक है। उसका काम गरीबों को गरीबी के दलदल से निकालकर सुख के किनारे पर पहुंचाना है। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो खुद दलदल में फंसा हुआ हूं, दूसरों को कैसे निकालूंगा? एक भूखे की हमदर्दी से दूसरे भूखे का पेट तो नहीं भरता सर। मुझे सिर्फ दो वक्त की रोटी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए सर। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर एक आग देखी थी, उस आग से अंधेरों में दिए जलाना चाहता था। वो तो पेट की आग थी सर, पेट की आग से खून जलता है, दिए नहीं जला करते। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने सरकारी पार्टी छोड़ दी है, उसे रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन मेरे वसीले नहीं टूटे अब तक। ठीक है, मैं देखता हूं तुम्हें अच्छी सी नौकरी दिलवा देता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। लेकिन सर, ये पुलिस की जीप यहाँ क्या करने आई है? हो सकता है मेरे कल के भाषण से घबराकर सरकार ने मेरी गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। और अच्छा है ना भाई, नेता जब तक गिरफ्तार नहीं होता उसे नाम नहीं मिलता, लोगों की हमदर्दियां नहीं मिलती। ये भी सियासत की शतरंज की एक चाल है। अमर, अरे भाई हमारा हमारे कमाल है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वाह वाह वाह, बहुत जचरी वर्दी तुम पर, वेरी गुड। ये वर्दी तो आप ही की देन है सर, वरना कहां मैं एक बेकार बोझ उठाने वाला भेलपुरी बेचने वाला इंसान, और कहां ये वर्दी? मेरे लिए तो आप भगवान के समान है सर। अरे नहीं भाई, मुझे सियासतदान ही रहने दो, भगवान मत बनाओ। चिराज, आज अमर को देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई। बिल्कुल ऐसी था वो, ऐसा लगता है जैसे आज अमर ने नहीं, मेरे बेटे ने पुलिस की पोशाक पहन ली है। सब उसके सियासत की शतरंज की चाल है। सर, आपके इन एहसानों को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। नहीं अमर, ऐसा नहीं है। ऐसा भी वक्त आ सकता है कि तुम्हें मेरे एहसान तो एक तरफ, मुझे भी भूलना पड़ जाएगा। जी हाँ, मेरे कई रूप है ना, तुम्हारा हमदर्द हूं, इनका गुरु हूं, अपोजिशन पार्टी का लीडर हूं। कल अगर सरकार तुमसे कहे कि अमरनाथ जाओ, शंकर नारायण को हथकड़ियां लगा के गिरफ्तार करके लाओ, तब तब तुम मुझे गिरफ्तार कर सकोगे? सर, कोशिश कीजिएगा कि ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी ना आए। आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, आपका आशीर्वाद लेने आया। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अमर, तुम्हारी आंखों में सच्चाई की चमक देखकर और बातों में वफादारी की महक पाकर मेरे मन की शतरंज अंदर से थोड़ी हिल सी गई है भाई। अरे ढूंढू, अरे पांडू, अरे जोशुआ, अरे इस बार इधर आओ रे, देख अपना अमर बाबू आ गया है, अमर बाबू आ गया है। अरे काका ही करते तो अपना अमर बाबू आ गया है।
अरे वाह भैया, ये वर्दी असली है किसी नाटक कंपनी की? असली है भाई, असली है। वाह भैया वाह, भगवान तुमको हजार साल की उम्र दे। इस वर्दी में देखकर ऐसे लगता है जैसे हम यतीमों को अपना बाप मिल गया। अमर भैया। अरे 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 अरे, पगली कहीं की इतनी बहादुर होकर रोती है क्या? बात क्या है? तुम कहाँ चले गए थे अमर भैया? तभी भूल कर भी याद नहीं किया कि तुम्हारी एक बहन भी है। अरे वो बोली ही सही, लेकिन उसने तुम्हें सगे भाई से भी बढ़कर माना है। देखनु, जिंदगी में अचानक ऐसी तब्दीली आई कि बिना कुछ कहे सोचे चले जाना पड़ा। एकदम ट्रेनिंग का ऑर्डर आ गया, इसीलिए किसी से मिल भी नहीं सका मैं। और वो कुत्ता कहता है कि तुम उससे डर कर भाग गए। ये कौन सा कुत्ता है भाई जो कहता भी है? वही भूपत। ये सूरत जाली का जाली लगती है। वो भेलपुरी वाला अमर तो नहीं? हाँ उस्ताद वही है। ये साला पुलिस में कब से भर्ती हो गया? अबे वो आ रही है, जल्दी से फूट लो। रेस का मैदान नहीं जो पागल घोड़े की तरह भागे जा रहे हो। देखिए I'm very sorry, मैं मुजरिम का पीछा कर रहा था, मुझे दिखाई नहीं दिया। वर्दी पहन ली है तो समझता है कि गवर्नमेंट इसकी जेब में है। क्या कहा था तूने अनु से? उठा के ले जाएगा? खुद की माँ बहन नहीं है, दूसरों की माँ बहन को जो जी में आए बोलता रहता है। चल माफी मांगे तो सर पर मुंह सब एक डिजाइन का बना दूंगा। माफी मांग। अपन को माफ कर दो अन्नू। अन्नू नहीं बहन बोल बे। चल माफी मांग पांव पकड़ के। अपन को माफ कर दो अन्नू बहन। मैं वादा करता हूँ कि अंधा तुमसे कभी कोई जाति नहीं करूंगा, कभी कोई गंदी बात नहीं करूंगा। हाँ देख भाई भूपत, आज के बाद तो इस बस्ती में नजर आया ना, या तेरी गुंडागर्दी की कोई रिपोर्ट मुझे मिली तो इतनी देर के लिए अंदर करूंगा कि बुढ़ापे में अर्थी के समय ही बाहर आएगा। समझ गया? चल भाग भाग। व्हाट? मैं बन गया थानेदार भैया, अब डर काहे का? ओ भैया अब डर काहे का? लुम बन गया, लुम बन गया थानेदार भैया, अब डर काहे का? ओ भैया अब डर काहे का? रिश्वत खोरी ना चलेगी, चोरों की चोरी ना चलेगी, अरे चोरा चोरी ना चलेगी। अब अपनी है सरकार भैया, अब डर काहे का? ओ भैया अब डर काहे का? लुम बन गया थानेदार भैया, अब डर काहे का? ओ भैया अब डर काहे का? न किसी से तुम घबराओ, थाने में आओ रपट लिखाओ। अब न किसी से तुम घबराओ, थाने में आओ रपट
दिखाओ। किसी की इज्जत अपना लूटेगी, किसी की मेहनत अपना लूटेगी, और किसी की दौलत अपना लूटेगी। मैं सबका पहरेदार भैया अब डर काहे का, भैया अब डर काहे का, लो मैं बन गया थानेदार भैया अब डर काहे का, भैया अब डर काहे डर काहे का, लो मैं बन गया थानेदार भैया अब डर काहे का, भैया अब डर काहे अपनी मुट्ठी कर दी, मैंने सबकी छुट्टी कर दी, बंद यूं अपनी मुट्ठी कर दी, मैंने सबकी छुट्टी कर दी। दारू का अड्डा ना चलेगा, सत्ते पे सत्ता ना चलेगा, शहर में सट्टा ना चलेगा, दम्बू की लंबी मार ओ भैया अब डर काहे का, कॉल फ्रॉम लंदन। और आप दोनों में से कलकत्ता जाना है क्योंकि हफ्ता भेजना है। सर कॉल फ्रॉम लंदन। लंदन? यस। हेलो एटकिंसन, सीताराम हियर। व्हाट्स हैपेंड टू आवर मीटिंग विद हुआमिनाची? टुमारो विल मेक इट द डे आफ्टर, विल यू? थैंक यू वेरी मच, आई विल बी देयर। श्योर श्योर। मिस्टर नायर? यस सर। परसों सुबह की मेरी लंदन की टिकट बुक करो। यस सर। हेलो डैडी, डैडी आप टोक्यो से कब आए? करीब एक घंटा हुआ बेटी। कितने दिन लगा दिए डैडी? पहले तो एक आध हफ्ता गायब होते थे, अब तो आपका महीना पता ही रहता। क्या करूं बेटी, आज का दौर ही अजीब है। ये देखिए कप, मुझे कॉलेज के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। वाह वाह वाह, मुबारक हो बेटी। मुझे पार्टी मीटिंग में जाना है, रात को फिर मिलते हैं, चलिए। डैडी को तो बस रुपया कमाना और पार्टी मीटिंग तो ही काम है, मैं तो इनकी कुछ लगती नहीं। हाय डैडी। हाय स्वीटी। अरे तुम ये डांस सीखने जा रही हो? अरे तुम तो खुद बिजली हो बिजली। मेरे साथ डिस्को चलो, डिस्को डांस के साथ और बहुत सारे आइटम सिखला दूंगा। अच्छा, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ डिस्को जाऊं। एक काम करो, कल मिलना। क्यों? मैं अपनी पुरानी सैंडल पहन कर आऊंगी, उसमें स्टील की नोक है,
50 साठ तुम्हारी शक्ल पर लगाऊंगी, तुम्हारी शक्ल पर डिस्को डिजाइन बन जाएगा। दो टके की लड़की हमें गाली देके जा रही है। कौन है आप लोग? आशिक लोग हैं, अपनी माशुकाओं की तलाश में आए हैं। क्या बेहूदा बकवास कर रही हैं? निकल जाओ यहाँ से। ये घटिया डांस हमको नहीं चाहिए, हमको कोई सेक्सी डांस। बदतमीज, निकल जाओ यहाँ से। शट अप। अबे ओ मास्टर, ज्यादा बकवास की तो पेट से हथौड़ा निकाल डालूंगा, चल पीछे। अबे मधु, टेप चालू कर। हाय डार्लिंग, जरा डांस हो जाए। देखिए, मेरा नाम आशा है, मैं नटराज नृत्यशाला से 46 मजिस्ट्रिक से बात कर रही हूँ। कुछ गुंडे स्कूल में घुसाए हैं और लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। प्लीज आप जितने जल्दी हो सके आ जाइए, ओके? कैमरा डुकरू, मूछ का बाल निकला नहीं, शुरू हो गया आराम कारी करने। नाचने के बाद शौक है, चल तेरे को पुलिस के म्यूजिक पर डांस कराता हूँ। चल से कौन हो? मेरे चाचा एमपी हैं, मुझे गिरफ्तार किया ना, उनसे कह दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे चाचा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? हाँ। क्या नाम है तेरे चाचे का? नाम बोल बच्चे चाचे का। साले दोबारा चाचा का नाम लिया ना, तो इतना मारूंगा कि तू अपना नाम भी भूल जाएगा। क्या मैडम फूलन देवी, आपने मुझे बचाया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। ढूंढिएगा भी मत। आपने वक्त पर फोन करके कानून की मदद की और मैंने यहां आकर के अपनी ड्यूटी निभाई, इसलिए किसी का किसी पर एहसान नहीं है। हाँ, मुझे आपका नाम और पता चाहिए होगा, पुलिस स्टेशन आकर के रिपोर्ट लिखवानी होगी। मेरा नाम आशा है, मेरे पिताजी इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर सीताराम हैं। मेरा फोन नंबर 74056। थैंक यू। आशा? यस डैडी। आर यू ऑलराइट? हाँ, क्यों? पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए मुझे खबर मिली कि कुछ गुंडों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, सुनकर मेरा तो खून खोल गया। मैं उन बदमाशों को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा उनको। अब कोई जरूरत नहीं डैडी, अमर ने उनकी खूब पिटाई की और लॉकअप में बंद कर दिया। अमर? हाँ डैडी, अमर एक बहादुर पुलिस ऑफिसर है, ऐसी पिटाई की कि नानी याद आ गई उनको। थैंक गॉड। आओ बैठो। डैडी, अमर बहुत अच्छा आदमी है और बातें ऐसी करता है कि इंसान का दिल मोह लेता है। He's a young, handsome पुलिस ऑफिसर। मैंने आज तक ऐसा बहादुर पुलिस ऑफिसर नहीं देखा। सेक्रेटरी, आज मेरा प्रोग्राम क्या है? अरे छोड़ो ना प्रोग्राम को डैडी, अभी आए हो, एक दो मिनट मेरे पास भी तो बैठो। देखो डैडी, आज कहीं नहीं जाना, घर में ही रहना। कोई खास बात है? हाँ,
खास बात तो है। आज मैं अमर को खाने पर बुलाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गुड हेवंस गर्ल, सीताराम का घर देखो और एक पुलिस इंस्पेक्टर की दावत देखो। यहाँ एमएलए एमपी मिनिस्टर्स आते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं। बुलाने से पहले आने वाले का स्टेटस देखना, रुतबा देखना। मैं आईजी से कहकर उसे थैंक्स कहलवा दूंगा। पहले दफ्तर के फाइल्स निकालिए। डैडी की पार्टी का नाम है गरीबों की पार्टी। भाषण देते हैं ऊंच नीच अमीरी गरीबी के फर्क को मिटा दो, खुद की बारी आती है तो अपना सबक भूल जाते हैं। मुंह में राम पगल में छुरी। हेलो, क्या इंस्पेक्टर अमरनाथ बोल रहा हूँ। मैं आशा बोल रही हूँ। वो जो उस दिन डांसिंग स्कूल में गुंडे घुसाए थे, उसने कुछ साथी मेरे घर में घुसाए हैं। उन्होंने एक आदमी का खून कर दिया, अब वो मुझे मार डालना चाहते हैं। देखिए मैं घर में अकेली हूँ, प्लीज मुझे आकर बचा लीजिए। अच्छा, तो ये सारी कारस्तानी आपकी थी। क्या करें, आपकी नजरें इनायत पाने के लिए ऐसी कारस्तानी करनी पड़ती है। चाय पर बुलाओ तो तुम नहीं आते, खाने पर बुलाओ तो तुम्हारे पास वक्त नहीं। मैंने सोचा पुलिस वाले को दावत देना हो तो खून के बहाने बुला लेना चाहिए। खून कहाँ हुआ है? खून लाश कहाँ है? खून हुआ है यहाँ, और ये रही लाश। ये क्या बदतमीजी? अरे मैं नरमी से बात कर रही हूँ, तुम गर्मी दिखा रहे हो। मैं प्यार की बात कर रही हूँ, तुम अकड़ते चले जा रहे हो। ये प्यार इश्क मोहब्बत बेकार लोगों के धंधे हैं। मेरा काम है लोगों को गिरफ्तार करना, प्यार करना नहीं, समझे? ए तो मुझे भी गिरफ्तार कर लो ना, प्यार की हथकड़ी लगा कर दिल के लॉकअप में कैद कर लो ना। होश में हो या चला के रही हो? वो तो तुमसे जिस दिन पहली मुलाकात हुई थी उसी दिन चढ़ गई थी। चलो चलो। नहीं, पहले मुझे अपनी सुना दे दो। आज नहीं, फिर कभी। फिर कभी नहीं, आज अभी नहीं। नहीं आज अभी यहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी यही। नहीं
ऐसा किसी किताब में, किसी गीता में, किसी रामायण में नहीं लिखा है कि जो सरकार बरसों से चल रही है उसको हमेशा चलना चाहिए। हमें भी इस देश में सरकार बनाने का पूरा हक है जो हम हासिल करके रहेंगे, और इसके लिए हमें इलेक्शन जीतना होगा। और इलेक्शन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? वोट हासिल करने होंगे। और वोट हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जनता का विश्वास हासिल करना होगा। और जनता का विश्वास हासिल करने के लिए हमें जनता का सरकार पे से विश्वास हटाना होगा। और जनता का विश्वास हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग इस सरकार को निकम्मी, नाकारा और बेकार समझकर किसी और पार्टी को कुर्सी पर बिठाने पर मजबूर हो जाएं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? चारों तरफ बेचैनी, खौफ का माहौल पैदा करना होगा। हर सूबे, हर शहर, हर गांव में कत्लोआम, डकैती, फसाद कराने होंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम फसाद, सिख और हिंदू फसाद, क्रिश्चियन हिंदू फसाद, मुस्लिम शिया सुन्नी फसाद। मतलब इतना कत्लो खून गलत हो कि लोग घबरा जाएं, सरकार की कुछ समझ में ना आए और पुलिस कुछ ना कर पाए। और जब देश दहशत और जुल्म की आग में जल रहा होगा तो हम अपने घरों से निकलकर स्टेज पे खड़े होकर सरकार की बुराइयां शुरू कर देंगे और साथ में जनता को एहसास दिलवाएंगे कि अगर कोई उन्हें जुल्म और फसाद से बचा सकता है तो वो हम हैं, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी की बनाई हुई सरकार है। एक्सेलेंट आइडिया। और इसी आइडिया को कामयाब बनाने के लिए, मतलब खून बहाने के लिए, हमें पैसा पानी की तरह बहाना होगा। और इसीलिए आज मैंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और शहर के बड़े बड़े रईसों को दावत दी है। तो क्या इरादा है आप लोगों का? 50 लाख जमा हो जाए तो काफी है? फिलहाल तो काफी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ज्यादा जमा हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सियासत एक खेत की तरह है और सियासतदान एक किसान की तरह होता है। आज जितना बोओगे कल उसका 1000 गुना पाओगे। आज अगर लाख लगाओगे तो कल करोड़ पाओगे। आज अगर करोड़ लगाओगे तो कल अरबों पा सकते हो। और अब सबसे पहले हमें ऐसे ताकतवर और जबरदस्त गैंग की जरूरत है जो पूरे राष्ट्र में हंगामा और फसाद फैला सके। एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानता हूं, उसके लीडर का नाम है अनिल राज। ये अनिल राज बेहद खतरनाक आदमी। उसने कितने खून किए कोई नहीं जानता, उसने कितने डाके डाले उसे खुद ही याद नहीं। और खास बात यह है कि पुलिस को आज तक ये मालूम नहीं है कि ये अनिल राज कौन है, क्या करता है और उसका कोई गैंग है या नहीं। क्या नाम बताया तुमने? अनिल राज। हेलो, उत्पल राज, हेलो मिस्टर अनिल राज। हेलो मिस्टर उत्पल राज, बहुत दिन के बाद याद किया। आज मैं एक बहुत ही खास काम से तुम्हारे पास आया। हाँ हाँ, खास काम नहीं होता तो तुम आते ही क्यों? बोलो क्या काम है? रियासत में चारों तरफ फसाद फैलाने, कत्लेआम कराना है, डाके डलवाने, और वो भी ऐसी बुरी तरह कि लोग घबरा कर मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में घुसकर अपने भगवान और खुदा को याद करने लग जाएं। इसलिए ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। हाँ ठीक है, तुम जानते हो मेरे काम करने की शर्त क्या होती है? जानता हूं, जो चाहोगे वही होगा, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। जरूर। और ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे आदमी को इसका पता नहीं चले। ओके, हैव अ ड्रिंक। ओके, थैंक यू। ये क्या हो रहा है? सुभाष चंद्र बोस, गांधी, भगत सिंह, नेहरू की इस पवित्र धरती को बेगुनाहों के खून से सुर्ख किया जा रहा है। खुलेआम डाके पड़े हैं, मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, बच्चों को यतीम किया जा रहा है। और मुझे
मुझे अपने देश की हालत को देखकर रोना आ रहा है, अपने देशवासियों की हालत को देखकर रोना आ रहा है, और ये सरकार कानों में रुई ठोस कर बैठी है। एयर कंडीशन कमरे में बैठे मुख्यमंत्री ने कितनी बेशर्मी से ऐलान कर दिया कि जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे तुम साथ हो जब ही तो जनता बर्बाद है। कोई इनसे जाके पूछे कि ये जुल्म या अत्याचार कौन करवा रहा है? क्या ये लोग इलेक्शन जीतने के लिए जनता को लूट कर माल इकट्ठा नहीं कर रहे हैं? अगर इस सरकार में हिम्मत है तो आए, मुझे गिरफ्तार कर ले, मुझे फांसी के तख्ते पर लटका दे, मैं किसी से डरने वाला नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, आप सब जाग जाइए, बेदार हो जाइए, इस हुकूमत की बुनियादों को हिला डालिए और एक नई हुकूमत बनाइए। What the hell is going on? देश में चारों तरफ आग लगी हुई है, खतरों खून का बाजार गर्म है और पब्लिक घबराई हुई आंखों से हमारी तरफ देख रही है। कहां है इस फसाद की जड़? जुर्म के बारूद में आग लगाने वाले वो हाथ किसके हैं? उन हाथों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, वरना जनता का विश्वास हमारे ऊपर से उड़ जाएगा और यह हमारे लिए बहुत जिल्लत की बात होगी। चीफ मिनिस्टर को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से खुफिया खबर मिली है कि शहर में जुर्म, फसाद और डकैतियां जानबूझ के की जा रही है गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। मिनिस्टर्स सवालात हमसे कर रहे हैं, बदनामी का शिकार हमें बनाया जा रहा है, इसलिए इन लोगों को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। यह हमारी वर्दी और फर्ज के इम्तिहान का वक्त है। सारे गैंग को स्मैश कर डालो, चाहे अपनी जान पे ही क्यों ना खेलना पड़े। तमाम जुर्म के अड्डों पर छापा मारो, एक एक गुंडे को पकड़ लो और अगर जरूरत पड़े शूट देम एट साइट। नहीं, तेरा लीडर कौन है? मुझे नहीं मालूम साहब। क्या नाम है तेरे लीडर का? मुझे नहीं मालूम। नाम बोल ले। मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे नहीं मालूम साहब। नाम बोल दे अपने लीडर का। मुझे नहीं मालूम साहब। बाबरे, मुझे नहीं मालूम साहब। नाम बोल, मुझे नहीं मालूम। बताता हूँ, बताता हूँ। अनिल, अनिल राज। सर ये देखिए सर, तमाम अखबारों में अनिल राज की तस्वीरें छप गई हैं। पुलिस तो एक तरफ, बच्चा बच्चा उसे पहचान सकता है, और अगर ये पकड़ा गया तो हम मारे जाएंगे। पुलिस तो बाद में आएगी, पहले भड़की हुई जनता हमें मार डालेगी सर, और हमारे घरों में घुसकर हमारी बूटियां नोच डालेगी। एक मिनट, एक मिनट, ये अनिल राज है कहाँ? मेरी फैक्ट्री के गोडाउन में छुपा हुआ है सर, और धमकी दे रहा है कि अगर हमने उसे माल देकर फौरन बाहर मुल्क भेजने का इंतजाम नहीं किया तो वो खुद जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा और कानून के सामने हमारी पोल और करतूत खोल देगा। यस। हेलो, मैं अनिल राज बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, विक्टर जयराज बोल रहा हूँ, हमारे सर आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ मैं शंकर नारायण बोल रहा हूँ, क्या बात है भाई? हाँ हाँ, तुम्हारा पैसा तुम्हें स्विस बैंक में मिल जाएगा भाई, और टिकट भी मिल जाएगा, इसमें इतनी घबराने की क्या बात है अनिल बाबू?
अरे ऐसे कैसे, तुम्हें यहाँ से पूरी हिफाजत के साथ बाहर भेजने का जिम्मा मेरा है। कमाल है, देखो मेरे हाथ कानून से ज्यादा लंबे हैं। जहाँ मेरा हाथ जा सकता है वहाँ कानून का हाथ नहीं जा सकता। सुनो, अच्छा तुम मेरी बात सुनो पहले। सुनो, आज रात 11 बजे मेरा एक आदमी तुम्हारा पासपोर्ट और तुम्हारा टिकट लेकर तुमसे मिलने आएगा। हाँ ठीक, 11 बजे ओके। शतरंज की चाल। हाँ फकीर चंद जी, ये सियासत की शतरंज की चाल है, आपको समझना चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। अरे आज देश में चारों तरफ तुम्हारी बहादुरी की जय जयकार हो रही है, और जब मैंने सुना कि तुमने फसादी गिरोह के एक आदमी को गिरफ्तार किया तो मैं अपने आंसू रोक नहीं सका। खुशी और जज्बात के आंसू। बेटा जब बहादुरी का काम करता है तो बाप अपने आंसू कैसे रोक सकता है। तुम मेरे बेटे की तरह हो ना। ऑफकोर्स सर, मेरी जिंदगी की हर तरक्की आपकी मेहरबानी की बुनियाद पर खड़ी है। खैर, आपने मुझे किसी जरूरी काम से बुला देना सर। हाँ, अरे ये सियासतदान भी अजब भुलक्कड़ काम है। देखो ना, शतरंज खेलते हैं और चाल चलने भी भूल जाते हैं। अमर, मुझे तुमसे एक बहुत ही खुफिया बात करनी है। जराज। यस सर। मैंने सुना है कि आईजी साहब ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम अनिल राज को गिरफ्तार कर लो। जी हाँ, मैं तो उसके अड्डे तक पहुंच भी गया था लेकिन उसने अपना अड्डा बदल लिया है। और अनिल राज का नया अड्डा कहाँ है ये कोई नहीं जानता। सिर्फ एक आदमी जानता है और वो है शंकर नारायण। आप? हाँ, क्यों तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है? अरे भाई, मैं सरकारी पार्टी का लीडर नहीं हूं मगर जनता की हमदर्दी का मेंबर तो हूं ना। और जनता की हालत देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रुकते नहीं। बेटा तुम तो जानते हो, तुम्हें मालूम है आज तक अनिल राज गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें सियासत के शतरंज की बहुत बड़ी चाल है। बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों का उसके सर के ऊपर हाथ है। मंत्री? मंत्रियों का? नहीं सर, मुझे तो ये मुमकिन नहीं लगता। बेटा, ये सियासत की नजाकत है और इस नजाकत को समझने के लिए सियासत वाला दिमाग चाहिए जो मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। बड़े बड़े नेताओं की छत्र छाया में अनिल राज अपनी गुंडागर्दी का राज चला रहा है। आप मुझे उसका पता दीजिए, मैं अभी अपने ऑफिस को इन्फॉर्म करके उसकी गिरफ्तारी का इंतजाम करता हूं। अमर, तुम एक सच्चे देशभक्त सिपाही तो हो मगर सियासत की स्याही को तुम नहीं देख सकते। अगर तुमने अनिल राज के बारे में किसी से कुछ भी कहा तो पुलिस के पहुंचने से पहले अनिल राज को वहां से हटा दिया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि काम मेरा बेटा करे, यानी तुम। ये काम तुम करके अपनी वर्दी के साथ नहीं बल्कि अपने पिता सम्मान शंकर नारायण के साथ, इस धरती मां के साथ वफादारी करोगे। सर, अनिल राज है कहां? पता तो मैं तुम्हें बता दूं अगर वो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगा। बेटा अपना ख्याल रखना। सर, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अनिल राज है कहां। डेविड। यस सर। एक आदमी मुझसे मिलने आ रहा है, तुम बाहर जाओ, उस पर नजर रखो। अगर तुम्हें जरा सा भी खतरा नजर आए या शक हो तो उसे शूट कर दो। ओके सर।
सर। ओह आओ अमरनाथ, अमरनाथ आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने ये कारनामा अंजाम देखे और चीफ मिनिस्टर से मुबारकबाद हासिल करके सारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बढ़ाई है। तुम डिपार्टमेंट के लिए एक मिसाल हो। अगर मुल्क का हर पुलिस ऑफिसर इतने ही जज्बे से काम कर रहे अपना फर्ज निभाए तो जुर्म गुनाह सफाई हस्ती से मिट जाए। अमर तुम्हारे लिए एक खुशखबरी और है, चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे तुम्हें तरक्की देकर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा रहा है। Here's the order. Thank you, sir. देखो मां, तेरे आशीर्वाद से आज मैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बन गया। फर्ज का ये बोझ बढ़ने से जिंदगी में मेरे कदम कभी डगमगाने न पाए। वर्दी पर जितने तमगे और सितारे हैं वो बढ़ते जाएं, मैं उतना ही गरीबों और मायूसों की दुनिया में उजाला करता जाऊं, उतनी ही अपनी मातृभूमि की सेवा करता जाऊं। बस अपने बेटे को तू यही आशीर्वाद देती रहना मां। जी मगर वगर कुछ नहीं, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, मुबारकबाद देने आई हूँ, और इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे शर्म नाम कुछ है तुम्हें या नहीं? शर्म का टॉपिक बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मैं तुमसे क्यों प्यार करती हूँ? इसलिए कि सिनेमा घर की तुम्हारी पहली टक्कर ने मेरे दिल को हिला दिया, फिर तुमने उस खतरनाक अनिल राज को खत्म कर दिया, वो भी अकेले। अरे आजकल इतना सब कौन कर सकता है, कौन करता है, सब अपने मतलबों में लगे हुए हैं, रिश्वत लेके मुजरिमों को छोड़ देते हैं, देश को दुश्मनों के हाथ बेच देते हैं, लेकिन तुम एक सच्चे ईमानदार और बहादुर ऑफिसर हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं देखती हूँ कि मुझे तुमसे शादी करने से कौन रोक सकता है। शादी? हाँ हाँ शादी, तुम्हारी पत्नी बनने से ना मुझे समाज रोक सकता है, ना मेरे पिताजी रोक सकते हैं, और ना तुम रोक सकते हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं बहुत जिद्दी हूँ, अगर लड़की जात होकर खुद तुमसे प्यार का इजहार कर सकती हूँ तो तुम्हारे इनकार का जहर पीकर जान भी दे सकती हूँ। हिम्मत है तो इनकार करके देखो, ना करके दिखाऊं तो मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी नहीं। अपने दिल के किसी कोने में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो ना। देखो ना नहीं बोलना प्लीज। उस तो कौड़ी के इंस्पेक्टर के साथ अपनी बेटी की शादी मैं नहीं करूंगा। क्या सीताराम जी, खामखा की हुज्जत करने और जिद करने से क्या फायदा? आपकी बेटी जवान है, पढ़ी लिखी है, अगर आप जिद करेंगे तो वो घर से भाग जाएगी, घर से भागेगी तो आपकी इज्जत चली जाएगी, जब आपकी इज्जत जाएगी तो पार्टी की इज्जत जाएगी, इसलिए पार्टी की इज्जत रखने के लिए आप अपनी बेटी के हां में हां मिला लिए। क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब है उस अमरनाथ को मैं अपना दामाद बना लूं? अरे तो उसमें बुराई क्या है सीताराम जी, आपकी तो सिर्फ एक बेटी है, अगर मेरी 101 बेटियां होती तो मैं उन सबकी शादी अमरनाथ से करा के उसे अपना दामाद बना लेता। जी हाँ भाई, ये सियासत की शतरंज की चाल है, और इस चाल चलने के लिए हमें अमरनाथ जैसे मोहरे की जरूरत है जो कुर्सी पर कानून की बैठे, नौकरी सरकार की करे, फर्ज अपना निभाए और इशारों पर हमारे चले, और ऐसा मोहरा अपने हाथों में सिर्फ अमरनाथ है, इसलिए फौरन अपनी बेटी का हाथ अमरनाथ के हाथ में दे दो ताकि कल आसानी से वो हमारे हाथ में आ जाए। समझ गया।
बिच्छू लड़ गया, बिच्छू लड़ गया, बिच्छू लड़ गया रे मुझे बिच्छू लड़ गया। क्या बात है, खैरियत तो है आशा की तबीयत? घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आपके लिए खुशखबरी है, आप बाप बनने वाले हैं। सच? जी हाँ। मुबारक हो, मुबारक हो बेटे, डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई है, भगवान ने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। पिताजी एक छोटी सी गुजारिश थी आपसे। कल मैं एक ऑफिशियल काम से दिल्ली जा रहा हूँ और आशा को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ, आप यहाँ मेहरबानी करके। मेहरबानी क्यों भाई, तुम्हारी पत्नी है तो मेरी भी तो बेटी है ना, ऊपर से मेरी दौलत के रखवाले की माँ है, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। कौन सी फ्लाइट से दिल्ली जा रहे जी? वो जो शाम को चलती उसी से। अरे अरे दीदी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटी, रात घर पहुंचा तो टेलीफोन आया कि हमारी कंपनी के अर्जेंट मीटिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा। क्या पिताजी, मैंने सोचा मेरी गैर हाजिरी में आप आशा का ख्याल रखेंगे, पता चला मेरे साथ आप भी गैर हाजिर हो रहे हैं। नहीं, मैं वहां रहने के लिए थोड़ा ही जा रहा हूँ, इस फ्लाइट से जाऊंगा, शाम की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। कृपया ध्यान दीजिए, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 181 अब दिल्ली जाने के लिए तैयार है। घबराने की कोई बात नहीं, मुझे पहले भी ऐसा दर्द का दौरा उठा था दिल्ली में, मैंने दो दिन आराम किया, दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन बार बार इस दर्द का उठना अच्छा नहीं। अच्छा तुम यही बैठो, मैं अपना टिकट कैंसिल करवा के आता हूँ, फिर पिताजी को सीधे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। नहीं नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, रिश्तेदारी के लिए अपने फर्ज कभी मत डालना, टिकट मत कैंसिल करो, मैं अपना जाना कैंसिल कर रहा हूँ। एक काम कर सकते हो? जी फरमाइए। वो ब्रीफ केस लाओ, मैं फॉरेन कोलैबोरेशन में एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, उस बिजनेस के तमाम पेपर्स इस ब्रीफ केस में हैं। मेरा एक दोस्त रिचर्ड लुइस दिल्ली एयरपोर्ट पर आएगा, उसे ये ब्रीफ केस दे देना, मैं अभी घर जाकर उसे टेलीफोन करता हूँ। अच्छी बात। This is the last and final call for all the passengers traveling to Delhi by Aunty flight 181. Boarding की final announcement हो गई है। अच्छा। अपना पिताजी का ख्याल रखना। अच्छा। चलो डैडी। Your attention, please. Mr. Amarnath, passenger arrived from Bombay by flight number IC181. Kindly contact the inquiry counter for a message. Thank you. I'm Inspector Amarnath. You have a message. Excuse me, sir. Are you Mr. Amarnath? Yes. I'm Inspector Vijay Singh, Delhi Crime Branch. मैं आपको रिसीव करने आया हूँ। ये ब्रीफकेस मैंने देना किसी को थोड़ी देर। Excuse me, Mr. Amarnath.
Richard Lewis is my name. What? Richard Lewis. Well, Mr. Seetaram from Bombay telephoned. Yes. Briefcase on it. आपके लिए दिया। Thanks a lot and sorry for the trouble. You're welcome. चलिए। Good morning. Good morning, sir. I am Shamshir Singh, IG Police, Delhi. Please take your seats. Well, friends. मैं आप सब अलग अलग स्टेट से आए हुए ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। आप सबको यहां बुलाने की वजह यह है कि हमें हांगकांग के इंटरपोल से एक स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की खबर मिली है। उसकी ब्रांचें दुनिया के तमाम मुल्कों में फैली हुई हैं और उसकी गैंग के खास आदमी का ताल्लुक हमारे मुल्क के कुछ आदमियों से भी है, इसीलिए वो अक्सर इस मुल्क में आता जाता रहता है। उसकी गिरफ्तारी के वारंट दुनिया के सब देशों से निकल चुके हैं। अब आप लोगों को यह पता लगाना है कि उसका ताल्लुक हमारे देश के किन किन लोगों से है और उनका कारोबार कैसे चलता है। अब मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाता हूं। प्लीज कम विद मी। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज टेक योर सीट्स। इंटरनेशनल स्मगलर कोया अताची। यह आदमी हमारे देश की अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाता है और स्मगलिंग करता है, और इसके अलावा हमारे देश के मिलिट्री सीक्रेट्स स्मगल करके दुश्मन देशों को बेचता है, और हमारे देश के कुछ आदमी ये राज इसे बेच रहे हैं। मालूम कीजिए वो गद्दार कौन है। अभी हमें खबर मिली है कि यह आदमी इस वक्त हमारे देश में है। इसकी तलाश कीजिए और जितना जल्दी हो सके इसे गिरफ्तार कर लीजिए। सीताराम, आज तुम मेरा नाम ले रहे हो? नाम नहीं, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूं सीताराम। औरतों के शरीर का सौदा करके दौलत कमाने वाले लोग तो मैंने देखे थे, लेकिन अपनी मां का सौदा करने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अमर, शट अप! मां का खून चाटने वाली कुत्ते जैसी जबान से मैं अपना नाम नहीं सुनना चाहता। शराफत की इस कुर्सी पर बैठने वाले गद्दार बेईमान तो इस देश के, इस धरती मां के राज दुश्मनों को बेचकर माल कमा रहा है और अपने पाप के छींटे मेरी वर्दी बचा रहा है। हाँ, तुम्हारी वर्दी हमारे काम आएगी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें दामाद बनाया। हम जुर्म के रास्ते पर चलेंगे और तुम अपनी वर्दी से हमारे कदमों के निशान साफ करते जाओगे, वरना तुम हो कौन? 1500 रुपया महीने के एक पुलिस ऑफिसर, इतनी कमाई तो मेरे एक सेकंड की होती। यकीन नहीं आता तो मैं हिसाब करने के लिए कैलकुलेटर दूं? कैलकुलेटर अपने साथ रखो सीताराम, जिंदगी की आखिरी घड़ियों का हिसाब रखने में तुम्हारे काम आएगा ना। कमान गिरा, अच्छा गिरा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। ओ, तुम पुलिस ऑफिसर की दोस्त दिखाकर मुझे गिरफ्तार करने आए हो? तुझे मान मार के तुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। अमर, अमर क्या करो? सब आप नहीं जानते, इस गद्दार ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। आज तक मैं इसे एक शरीफ और ईमानदार आदमी समझता रहा, लेकिन ये चोर और बेईमान निकला। आपने ऐसे आदमी को अपने पार्टी में कैसे मिला रखा है? शांति शांति शांति, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम ये कहना चाहते हो ना कि सीताराम जी अच्छे आदमी नहीं है? नहीं सर, आप नहीं समझते हैं, ये आदमी एक मुजरिम है, इंटरनेशनल स्मगलर से मिला हुआ है। हाँ, तो तुम करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहता हूं?
इतना सबको जानने के बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं करना क्या चाहता हूँ? अरे सर, मैं तो इसे बालों से पकड़ के उल्टा लटकाना चाहता हूँ, इससे इसके जुर्म का एक बाल कराना चाहता हूँ, और इसके साथ उन तमाम लोगों के चेहरों से शराबत की नकाब हटाना चाहता हूँ जिन्होंने इस देश में जुर्म का जाल फैला रखा है। मतलब तुम उस जाल को तोड़ना चाहते हो, मगर तुम्हें यह नहीं मालूम कि अगर तुम उस जाल को तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये लोग सबसे पहले तुम्हें उस जाल में फंसा देंगे। क्योंकि उस जुर्म के जाल का एक बहुत बड़ा धागा तुम भी हो। याद तो करें सर। बिल्कुल सही कह रहा हूं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अमरनाथ। इस जाल में देश के बड़े बड़े लोग घुसे हुए हैं, जैसे सीताराम जी हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, सरकारी दफ्तर के लोग हैं, और आप हैं। और इस जाल के चारों छेड़े मेरे हाथ में हैं। ये सब मेरे लिए और मेरे पार्टी के लिए काम करते हैं, जैसे आप मेरे लिए काम करते हैं। ये क्या बेहूदा बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है अमरनाथ बाबू, ये सब सियासत की शतरंज की चालें हैं। तुम सब मेरे मोहरे हो, मेरे इशारों पर काम करते हो। मिसाल के तौर पर अनिल राज, अगर वो जिंदा गिरफ्तार हो जाता तो हमारे राज दुनिया के सामने फाश हो जाते, क्योंकि उसे देश में बलवा करने के लिए मैंने खरीदा था। और बताऊं, सीताराम जी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए क्यों रजामंद हुए? मेरे कहने पर, ताकि तुम उनके दामाद बनो और कानून हमारा दामाद बन के रह जाए। तो आज तक आप मेरे साथ शतरंज की चाल चल रहे थे। मैंने तुम्हें भगवान समझा, लेकिन तुम तो शैतान से भी बदतर हैवान निकले। लोगों पर एहसान करते हो, बदले में गद्दारी और बेईमानी की तमन्ना रखते हो। बिल्कुल अमर बाबू, हम जिसके दोस्त हुए फिर उसे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम ही पूरे पड़ जाते हैं। आदम खोर भेड़ियो, लाखों इंसानों का खून बहाकर झूठी हमदर्दी के आंसू बहाने वालों, तुम्हारी शतरंज का खेल खत्म हो गया। तुम लोग खुद अपनी चाल में फंस कर रह गए हो, क्योंकि मुझे मौत के जाल में फंसना मंजूर है, लेकिन तुम लोगों की बेईमानी के जाल में फंसकर जिंदा रहना मंजूर नहीं। मैं तुम लोगों के चेहरे और उन चेहरों के पीछे जो शैतान छुपा हुआ है सारी दुनिया को दिखा कर रहूंगा। अमर बाबू, हमारे पास हर सवाल का जवाब है, हर दांव का तोर पहले से मौजूद रहता है। ये तस्वीर तुम्हारी है ना? तुम जब कोया कोया अटैची को ब्रीफ केस दे रहे थे, किसी कोने से कैमरा तुम्हारी तस्वीर ले रहा था। इसके नेगेटिव मेरे पास महफूज रखा हुआ है, आगे वक्त में काम आने के लिए। जलील मक्कार फरेबी, मैंने तुम लोगों को पहचानने में बहुत देर की। अब देर की तो तुम्हारी बदकिस्मती है अमर बाबू, लेकिन कभी ये तो सोचा होता कि हम लोग तुम पर इतनी मेहरबानियां कर क्यों रहे हैं? और खासकर मैंने कोई फकीरों भीखमंगों को गोद लेने का जिम्मा ले रखा है? तुम मुझे भविष्य में किसी आड़ेवत काम आओगे ऐसे लगे तो मैंने अपना वसीला लगाकर तुम्हें पुलिस में नौकरी दिलवा दी। अब अगर जोश में आकर तुमने हमारे खिलाफ जुबान खोली तो ये फोटो अखबार में छप जाएगा। अगर हम पकड़े जाएंगे तो तुम भी देश और कानून से गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए जाओगे। दुनिया तुम पर थूकेगी कि ईमानदारी का ठोंग करने वाला ये पुलिस ऑफिसर स्मगलरों से मिला हुआ है। यू ब्लडी ब्लैकमेलर्स, यू ब्लडी ब्लैकमेलर्स। शांति शांति शांति, महाभारत पढ़ी है ना? उसमें अभिमन्यु तुम्हारी तरह सच्चा बहादुर मगर बेवकूफ नौजवान था। उसने कहा मैं चक्रव्यूह तोड़ के निकल जाऊंगा। उसका अंजाम क्या हुआ तुम्हें मालूम है ना? बेचारा चक्रव्यूह तो नहीं तोड़ सका, उसका दम जरूर टूट गया। अमर बाबू, तुम भी सियासत के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हो, इसलिए ईमानदारी वफादारी या कोई भी दारी हो उसे भूल जाओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें 4 घंटे की मोहलत देता हूं, ठीक से सोचकर फैसला कर लो कि मेरी पार्टी में शामिल होकर मेरे लिए काम करके जिंदगी में नाम दौलत इज्जत कमाना चाहते हो, या इनकार करके लोगों की धत्कार गद्दारी वतन फरोशी के नारे सुनते हुए फांसी के तख्ते पर लटकना चाहते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है।
सके तो संभल निकल सके तो निकल दुश्मनों के जाल से दोस्तों की चाल से अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू चक्रव्यूह में फंस गया है तू अभिमन्यु
the Inspector General of Police. Sir, मैं एक गद्दार हूँ, पुलिस के नाम पर एक बदनामा दाग हूँ, उस वर्दी और ओहदे के मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ। मेरे हाथों में एक ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी सजा मेरी नजरों में मौत के सिवा कुछ नहीं हो सकती। उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। आपका अमरनाथ। मर गई तो क्या हुआ? ये इतनी बड़ी धरती माँ है, ये तुझे पाल पोस के बड़ा करेगी। बेटी सुन, बेटी इस माँ की एक नसीहत याद रखना, दुखों से घबरा कर कभी गलत रास्ते पर मत चलना। अपनी मेहनत से पढ़कर एक ईमानदार और देशभक्त इंसान बनना, कभी हराम की मौत नहीं मरना, देश के लिए कुछ करके मरना। हाँ बेटे, बेटे अपनी मां की इतनी इच्छा पूरी करेगा ना? हाँ मां, मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। किया? आप जो कहते हैं वही सही है। इस दुनिया में अगर इज्जत से जीना है तो आप ही के तरीके से जिया जा सकता है, इसलिए आज से मैं आपके साथ हूं। आपका जो हुक्म होगा उसे मैं मानने को तैयार हूं। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे मालूम था कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ जा ही नहीं सकता। क्यों, ठीक रहो? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये क्या कर रहे हो? सच्चाई, फर्ज और इंसाफ को जला रहा हूं आशा। ये देखो आशा, लाश जल गई, सिर्फ चिता की राख हाथ में रह गई। तुम क्या कह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं आशा, ऐसे ही कुछ ऑफिस की परेशानियां हैं। साहब, ये साहब आपसे मिलने आए हैं। ये विजिटिंग कार्ड है या पोस्ट कार्ड है? हेलो। जी साहब। समाज सेवा केंद्र मुख्य अध्यक्ष, स्त्री सेवा मंडल मुख्य सचिव, बाल महिला आश्रम कोषाध्यक्ष,
महिला विद्यापीठ मुख्य अधिकारी, काफी खूबियों के मालिक मालूम पड़ते हैं। है कौन साहब? श्रीमान जी असिस्टेंट कमिश्नर, नमस्कार। 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 तुम भूपति नहीं हो? ओ नहीं, थे, अब श्रीमान बीपति हैं जी। मैडम और सुनाओ, कैसी गुजर रही है असिस्टेंट कमिश्नर? भाईजान एसीपी साहब, हमारे मालिक सरकारी पार्टी की मुख्य पदवी पर हैं, मतलब वीआईपी हैं। हमारे सरकार की मुट्ठी में अपने इलाके के लोगों के पूरे 5 लाख वोट है चूना लगा के, इसीलिए रियासत की सारी पार्टियां हमारे सरकार के पीछे पीछे घूम रही हैं, नते कर रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं और कह रही है हमारी पार्टी में आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसीलिए आने वाले इलेक्शन में हमारे सरकार एमएलए बनेंगे और मंत्री बनने के भी पूरे पूरे चांसेस है चूना लगा के। सुभान अल्लाह, आप जैसे फरिश्ते अगर मंत्री बनने लगे हैं तो हिंदुस्तान के आसमान पे तो 4 सूरज निकल आएंगे, एक दिन में 3 रात में। ये हमारी तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है? तारीफ कर रहा हूँ हुजूर, कौन बेवकूफ होगा जो आपका मजाक उड़ा करके अपने मजाक का मजाक उड़ाएगा। फरमाइए किस काम से आना हुआ? क्या भाई ऐसे, कल तुम्हारे पुलिस वालों ने हमारे कुछ आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है, बस उसी लिए आया हूँ। किस सिलसिले में गिरफ्तार हुआ ये? ओहो, वही दारू वारू की भट्टी चलाने के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या की जल्दी छोड़ दो, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। ओ, ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इनका आपसे क्या संबंध है? अरे भाई ऐसी, उस्ताद का अपने शागिर्दों के साथ जो संबंध होता है वही अपना है। हाँ, तो उस्ताद जी, आपके ये जो चेले हैं इन्होंने बड़े सख्त किस्म का जुर्म किया है, इसलिए इन्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। और जब आप इतनी ऊंची पदवी पर पहुंच चुके हैं तो आपको ऐसे बदनाम लोगों को छुड़ाने के लिए खुद नहीं होना चाहिए। अरे भाई ऐसी, ये सब पॉलिटिक्स है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, दिमाग का काम है ना, मैं कहता हूं उन्हें छोड़ दो। कुर्सी खाली करो। मैं कहता हूं कुर्सी खाली करो, कम ऑन गेट अप। मिस्टर ऐसी, तुम्हें शायद मेरी पहुंच का पता नहीं है, जानते हो मैं जिधर से गुजरता हूँ तुम्हारे जैसे वर्दी वाले मुझे सलामे मारते हैं आजकल। तुम्हारे निकलो, वरना सलाम नहीं मारूंगा तुम्हें मारना शुरू कर दूंगा। अमरनाथ, तुम बाहर जाते हो तुम्हें भी तुम्हारे शागिर्दों के साथ 7x10 के कमरे में बंद कर दो। अरे देखो ऐसे, अब मुझे मारना और बंद करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मैं भी कानून सीख गया हूं, बजा रहा हूं। अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ जी, हेलो। हाँ, क्या कहा? मां परेशान कर रही है, पेट में कैद करके रखा हुआ है, बाहर नहीं निकलने दे रही। अरे अभी ठीक करता हूँ इसे। क्यों जी, मुन्ना को आपने कैद करके क्यों रखा हुआ है? अरे भाई कंप्लेन कर रहा है, जल्दी से इसे मेरी गोद में दे दो तुम। मुन्ना के लड्डू है जो तुम्हारे मुंह में दे दूं? अरे बाबा ये मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ? इंस्पेक्टर से कमिश्नर बनने में मुझे इतनी देर नहीं लगी जितना पति से बाप बनने में लग रही है। पागल हो गया तू? बिल्कुल पागल हो गया हूँ, दिन भर ऑफिस में बैठा बैठा मुन्ना के ख्यालों में डूबा रहता हूँ। कभी मुन्ना को सीने से लगाता हूँ, कभी आंखों से लगाता हूँ, कभी उसकी पप्पी लेता हूँ, यहाँ तक कि 4 ऑफिसर्स को गले लगा करके उनकी पप्पी ले चुका हूँ। लीजिए, हंस रही है। अरे भाई ओ, जल्दी से झोली खाली करो। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, देखो मैंने तो बचपन ढंग से देखा नहीं है, बचपन में ही बचपन का हो गया, अब जब मुन्ना आ रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा बचपन लौट रहा हो। जिंदगी की सारी हसरतें पूरी कर दूंगा, मुन्ना को इतनी खुशियां दूंगा, इतनी खुशियां दूंगा कि खुशियों ने भी इतनी खुशी किसी को नहीं दी होगी। हर घड़ी उसे सीने से चिमटा के रखूंगा, बस ये मुन्ना होगा और ये मेरी बाहों का झूला। अच्छा जी, और हमारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा तो हो गया भाई। क्या हो गया? हाँ बस, और क्या, सारी जिंदगी दुम की तरह मेरे पीछे चिपकी रहोगे क्या?
और फिर क्या है अर्शद, फिर तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा ना। क्या, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी? नहीं, जवान रहोगी, सारी जिंदगी जवान रहोगी। और भगवान ने चाह, भगवान ने चाह तो एक आध मुन्ना या मुन्नी तो मुझे और दो। इस फाइल को रिकॉर्ड रूम में रख दो। यस सर। तो आई एम सॉरी, इट्स ऑल राइट। Yes? सर मैंने इस आदमी को देखा है। कहां देखा है? दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पर? यस सर, जिस रोज मैं मिस्टर अमरनाथ को रिसीव करने गया था उस रोज मैंने देखा था। उस दिन मिस्टर अमरनाथ ने बंबई से साथ लाया हुआ ब्रीफकेस इसके हवाले किया था। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। ये आदमी एक इंटरनेशनल स्मगलर है और तुम कह रहे हो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अमरनाथ ने उसे ब्रीफकेस ला कर दिया। यस सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये वही आदमी है। आई सी। सुनो, इस बात का सिवाय तुम्हारे और मेरे किसी को पता नहीं लगना चाहिए। जब तक इस बात की असलियत और सच्चाई का पता ना लग जाए ये राज राज ही रहेगा। ओके? यस सर। यू कैन गो नाउ। ऑपरेटर, बॉम्बे पुलिस कमिश्नर का नंबर लगाओ, अर्जेंट। हेलो, यू आर स्पीकिंग? Yes, yes. What? Amarnath or Koya Koya Atachi? Unbelievable. हमारे डिपार्टमेंट के लिए तो ये बहुत ही जिल्लत और शर्म की बात है। Yes, sir. Oh, yes, don't worry. Don't worry, I'll deal with the matter very strictly. Yes. All right. Bye, thank you. क्या बात है सर? Anything serious? किस पे विश्वास करें और किस पे शक करें समझ में नहीं आता। दिल्ली क्राइम ब्रांच से मैसेज आया है अमरनाथ, जिसपे हमारे डिपार्टमेंट को नाज है, जिसपे हमारी गवर्नमेंट को फख्र है, वो इंटरनेशनल स्मगलर कोया कोया अटैची से मिला हुआ है। What? नहीं सर, ये गलत है। मैं अमर को अच्छी तरह से जानता हूं, वो ऐसा नहीं हो सकता। मगर वो कहते हैं कि दिल्ली के एक ऑफिसर ने सारा वाकया अपनी आंखों से देखा है। एनीवे, ये बात अपने तक ही रखना, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। राइट सर। जब तक हम उसे पूरे सबूत के साथ रगे हाथों नहीं पकड़ लेते, डिपार्टमेंट में ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। सर, अमरनाथ की हर हरकत पे आज से कड़ी निगाह रखी जाए। ओके? ओके सर। आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक सीरियस मामला पेश आया है, इसलिए इतनी रात को तुम्हें बुलाना पड़ा। हमारा खास आदमी कोया कोया अटैची, जिसे तुम दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले थे, याद है तुम्हें? या, उसे कैसे भूल सकता हूं मैं? वो इस शहर के नॉर्थ ईस्ट होटल के 720 नंबर कमरे में ठहरा हुआ है। अगर पुलिस को इसकी खबर मिल गई है और पुलिस चली गई है उसे गिरफ्तार करने के लिए, इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके, तुम फौरन जाकर उसे निकाल लाओ। उसके पास हमारे 27 करोड़ की हीरे हैं, वो भी ले आओ, और बाद में जितनी जल्दी हो सके उसे हिंदुस्तान के बाहर भेज दो। इट्स अर्जेंट, समझ गए? जी हां, समझ गए।
पीछे। पुलिस? चलो। लेकिन तुम्हें कैसा मालूम? Come on, let's go. Disco, 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 disco
वेल डन दोस्त, तुम नहीं होते तो आज कोया कोया टच गया था काम से। हाँ वो सब तो ठीक है, हीरे कहाँ हैं? एक मिनट, इसे नीचे रख, ये अपना आदमी है, और जल्दी से बोर्ड रेडी कर, जल्दी निकला यहां से, जल्दी। जाने के लिए मुझे इसे इसके साथी को मारना पड़ा। तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। जरा सी चोट लग गई है। देखो इधरों बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाना, मैं जरा हॉस्पिटल लेके आता हूं। क्या बात है भाई, आज बहुत खुश नजर आ रही है। खुश? अरे मैं तो पागल हो गई।
पहले मैं तुम्हारे प्यार में दीवानी थी, आज मैं तुम्हारी इज्जत की दीवानी हो गई। मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। देखो आज सारे पेपर से तुम्हारी तस्वीरें छपी हैं, तुम्हारे कितने फोन आ चुके हैं और फोन पर लोग मुबारकबाद मुझे दे रहे हैं। जैसे उस स्मगलर को तुमने नहीं मैंने मारा है। I'm so proud of you. I'm so proud of you. यहां जख्म है। ये जख्म नहीं, तुम्हारे हाथ पर देश के साथ की हुई वफादारी की मोहर है। अमर सुनो, उस बदमाश कोया कोया अटैची से मुकाबला करने में तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है, हड्डी तो नहीं टूटी? बोला मेरा बड़ा डॉक्टर दोस्त है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फोन के कोने बुलवा लेते। जी नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपके किसी दोस्त से इलाज की अब जरूरत नहीं है। मेरा इलाज तो मेरा डिपार्टमेंट कर चुका है। प्लीज मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। अरे पिताजी तुम्हारी तबीयत पूछने आए हैं और तुम इन्हें जाने को कह रहे हो? अरे नहीं, यूं ही मजाक कर रहा है, बड़ा मस्करा है मेरा दामाद। अरे कमाल है भाई, बाप घर आए उसे कॉफी नहीं पिलाओगी? क्यों नहीं, अरे मुमताज। अरे मुमताज ताजमहल छोड़ो, मुद्दत से तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पी, आज तो जरूर पीऊंगा। ओके अभी लाई। खून क्यों किया? इसलिए कि मेरे डिपार्टमेंट को मुझ पर शक हो गया है। अगर मैं उसका खून नहीं करता तो तुम, मैं और तुम्हारा वो लीडर शंकर और नारायण के नाम को बदनाम करने वाला शंकर नारायण सबके पोल खुल गए होते। अब तक हम सब जेल में होते और सारी दुनिया हम पर थूक रही होती। अच्छा, माय गॉड, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो तुमने अच्छा किया जो मार डाला, लेकिन हीरे कहाँ है? मेरे पास है। तुम्हारे पास? दो, मुझे दो। पहले मुझे वो नेगेटिव चाहिए। कौन सा नेगेटिव? वही नेगेटिव जिसका पॉजिटिव निकाल कर आप लोग दुनिया और कानून वालों को दिखाकर यह साबित कर सकते हैं कि मेरा कोया अटैची के साथ स्मगलिंग का संबंध था। वही नेगेटिव जिसके सहारे आप लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वही नेगेटिव जिससे मजबूर होकर मैं आपका हर गैर कानूनी काम किए जा रहा हूं। वही नेगेटिव जिसने मुझे आप लोगों का गुलाम बना दिया। वो नेगेटिव, मुझे वो नेगेटिव चाहिए। तुम्हें चाहिए? अरे बेटा, उसी छोटे से नेगेटिव के टुकड़े के बल पर तो इतना सख्त पुलिस ऑफिसर हमारे कब्जे में है। वो तुम्हें दे दे तो हमारी हमारी पॉजिटिव सूरत की असली नेगेटिव तुम दुनिया को दिखा दोगे। नहीं 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 सीताराम जी, मैंने दुनिया में बड़े बेईमान देखे लेकिन आप लोगों के टक्कर का एक भी नहीं मिला। नहीं बेटा, हम क्या है, इस दुनिया में हमारे बाप पड़े हैं ऐसे ऐसे कि तुम्हारे हाथों खुद तुम्हारा गला कटवा देंगे और कहेंगे कि अपने हाथों अपना सर हमारे चरणों में रखो। सुनो बेटा, अगर तुम हमारा साथ देते रहोगे तो हमारी पार्टी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी। अब वो दिन दूर नहीं जब इस देश के महान इंसानों के नाम के साथ हम तुम्हारा नाम भी जोड़ देंगे। वाह डैडी, क्या बात कही, इस बात पर तो आपका मुंह मीठा कराना चाहिए। लीजिए। थैंक यू थैंक यू। लीजिए, रख दो अभी नीचे। अरे प्रताप भैया, आइए आइए, आप भी अच्छे मौके पर आए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। रहने दीजिए भाभी, अब कैसा है हाथ? अरे भैया, इनसे क्या पूछते हो, ये इतने से जख्म से डरने वालों में से नहीं है। ये तो उन लोगों में से है जो देश के लिए और अपने फर्ज के लिए अपना हाथ भी कटवा सकते हैं। फर्ज और देश हाथ कटवाने के लिए नहीं कहता, बल्कि गलत लोगों के साथ हाथ मिलाने से रोकता है। मिस्टर अमरनाथ, मैं तुम्हारे घर की तलाशी का वारंट लेकर आया हूं। प्रताप भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप मजाक कर रहे हैं तो कभी भूल कर भी मेरे सामने इस किस्म का मजाक मत कीजिएगा। मुझे ड्यूटी के वक्त मजाक करने की आदत नहीं है। ये रहा वारंट। वारंट? किस बात का वारंट? आशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वारंट लेकर आने की? आशा, प्रताप एक पुलिस ऑफिसर है,
उसके पास तलाशी का वारंट है, उसे कोई नहीं रोक सकता। प्लीज बीच में मत बोलो। कैरी ऑन प्रताप। मिस्टर अमरनाथ, तुम 10 दिसंबर की रात को एक ऑफिशियल काम से 8:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर तुमने एक फॉरेनर को एक ब्रीफ केस दिया। वो फॉरेनर कोई और नहीं था बल्कि कोया अटाची था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सही है मिस्टर अमरनाथ, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि उस वक्त क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर जो तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर लेने आया था, उसने अपनी आंखों से तुम्हें कोया अटाची को ब्रीफ केस देते हुए देखा था। उस ऑफिसर की आंखों ने धोखा खाया होगा। हो सकता है उसने किसी और को देखा और इल्जाम मुझ पर लगा रहा हो। नहीं मिस्टर अमरनाथ, उसका बयान बिल्कुल सही है। इस बात का दूसरा सबूत अनिल राज की मौत है। अगर तुमने अनिल राज को जिंदा गिरफ्तार किया होता तो उसकी जबान खुलवा कर उन लोगों का नाम और पता मालूम कर लेते जिन्होंने रियासत में खून, डकैती और फसाद फैलाने के लिए उसे खरीदा था। मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उसे मारकर उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी। उसके बाद नंबर आया कोया अटाची का। उसे भी तुमने अगर जिंदा गिरफ्तार किया होता तो मुल्क में फैले हुए तमाम स्मगलरों और यहां के राज बेचने वालों के रैकेट को पकड़ लेते। मगर तुमने उसे भी जान से मारकर पुलिस के हाथों से मौका छीन लिया और मुजरिमों को बचा लिया। मिस्टर प्रताप, अगर मैं उसे जान से नहीं मारता तो शायद पुलिस को मेरी लाश भी नहीं मिलती, ये जानते हैं आप? जब हमने उसकी लाश की तलाशी ली तो उसकी पैंट में एक खुफिया जेब थी जिसमें एक पर्स था। उस पर्स से एक चिट्ठी बरामद हुई जिससे ये पता चला कि वो बहुत ही कीमती हीरे लेकर हिंदुस्तान आया था। आप कहना क्या चाहते हैं कि वो हीरे मेरे पास है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मरने से पहले उसने वो हीरे किसी और को दे दिया? आप जो कह रहे हैं वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और इसी सिलसिले में मैं तुम्हारे घर की तलाशी का वारंट लाया हूं। और जब तक तलाशी पूरी नहीं हो जाती यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा। मिस्टर प्रताप, मेरे पति ने अपनी जान पर खेलकर उस स्मगलर का सफाया किया, वरना सारी जनता तुम्हारे डिपार्टमेंट को निकम्मा, नाकारा और मुजरिमों से मिला हुआ समझ रही थी। इनके कारण तुम्हारे डिपार्टमेंट को इज्जत मिली, नाम मिला, आदर मिला, और उस इज्जत का ये बदला दिया जा रहा है कि हमारे ही घर में तलाशी लेने आए हो। मिसेज अमरनाथ, मैं आपके इस इज्जतदार, फर्ज के वफादार पति का कई दिनों से दिन रात पीछा कर रहा हूँ, और वो सब कुछ देखकर मुझे उतना ही ताज्जुब हुआ जितना आपको सुन के हो रहा है। झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग। अमर, ये सब तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे नाम से चल गए हैं, इसलिए तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा, मैंने कहा ना तुमसे कि खामोश रहो, इन्हें अपना काम करने दो। इनसे बहस मुबाहिसा करने की कोई जरूरत नहीं। यस सर, घर का कोना कोना छान लिया, कुछ नहीं मिला। मिस्टर प्रताप, आप दिन रात मेरे पीछे परछाई की तरह लगे हुए हैं। यहां तो आप नाकाम हो गए, परछाई का अगला कदम क्या होगा? आप किस लिए खड़े हैं? आप ले लेना तलाशी, सो गेट आउट। लिसन, एक ईमानदार ऑफिसर के घर की तलाशी लेकर तुमने उनका बहुत बड़ा अपमान किया है। इस अपमान की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी ऑफिसर। जरा हमारी पार्टी को इलेक्शन जीतने दो, मुझे मिनिस्टर बनने दो, तुम्हें हर नमान भिजवा दूंगा। सीताराम जी, आप अपनी बेकार की बकवास बंद करेंगे या नहीं? प्रताप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है, इसने वही किया जो इसे कहा गया। He did his duty. आप इस तरह उसका अपमान नहीं कर सकते। I'm sorry, अमर। कोई बात नहीं प्रताप, सोने लगे। जब तुम दिल्ली जा रहे थे और पिताजी को अचानक दर्द उठा था तो पिताजी ने तुम्हें एक ब्रीफकेस दिया था ना? फिर प्रताप से तुमने झूठ क्यों कहा? इसलिए कि मैं झूठ बोलने पर मजबूर था। क्या मजबूर थे? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं आशा, प्रताप से मैंने झूठ क्यों बोला ये आप अपने पिताश्री से पूछ लीजिए। बेटी, ये सब सियासत की बातें हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाकर आराम करो। हाँ, हुकूमत को धोखा देना, देश की जनता के साथ फरेब करना, धरती मां के साथ गद्दारी करनी, ये इसे सियासत कहते हैं। सियासत तो गोया एक शैतानी खेल बनकर रह गया है जो जनता से जितना झूठ बोल सकता है उतना नामचीन नेता बन जाता है। तुम्हें
हमारे पिताजी को अपनी बेटी के सुहाग की परवाह नहीं, ना ही उन्हें अपने दामाद की इज्जत, उसके फर्ज, उसकी जिंदगी की परवाह है। उन्हें परवाह है तो 27 करोड़ रुपए के हीरों की। 27 करोड़ रुपए के हीरों के लिए तुम्हारे पिताजी अपने बेटे का खून करवा सकते हैं, अपनी बेटी को विधवा बना सकते हैं। ये देखो, आज मुझे पता चला कि मैं एक स्मगलर की बेटी हूँ, गद्दार का खून हूँ, मातृभूमि का सौदा करने वाली की औलाद हूँ। मैं ऐसे गिरे हुए इंसान की बेटी कहलाना नहीं चाहती जो अपने मतलब, अपने गंदे कामों को पूरा करने के लिए अपनी बेटी के सुहाग को इस्तेमाल करता है। तुम अगर अपने आप को मेरी बेटी कहने से इनकार करोगी तो क्या समझती हो, मैं फौरन रोकर घबरा कर तुम्हारे पैर पकड़ लूंगा। नहीं नहीं आशा, सियासत की दुनिया में माँ बाप, भाई बहन, बेटी दामाद कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि आदमी जो ऊपर उठना चाहता है तब ये सब रिश्ते और जज्बात बोझ बनकर उसे नीचे घसीट लेते हैं। और शायद इसी अपने आप को ऊपर उठाने के लिए आपने मेरे पति के हाथों एक के बाद एक खून करवाए, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर पहुंचने के लिए। तुम जज्बाती लड़की हो, ये बातें तुम्हारे पल्ले कभी नहीं पड़ेगी। मेरा नवासा जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, मैं उसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। जब वो बड़ा होगा तो दुनिया के सामने फख्र से कहेगा मैं सेठ सीताराम का नवासा हूँ। और जिस दिन मेरी औलाद ने आपके गुण गाए, आपकी दौलत को हाथ लगाया, आपके रास्तों पर चलने की कोशिश की, उस दिन ये माँ अपने हाथों अपने औलाद का खून कर देगी। समझे? चले जाइए और कभी लौट कर मत आइएगा इस घर में। चले जाइए यहां से। अमर, मैंने तुम्हें एक शरीफ, ईमानदार और देश के लिए जान देने वाला इंसान समझा, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी पूजा करती थी। इसीलिए मैंने अपने बाप की दौलत को ठोकर मारकर तुम्हारा हाथ थाम लिया। मगर मैं ये नहीं चाहती थी कि जिस हाथ को थाम रही हूं वो हाथ देशद्रोहियों ने पहले से ही थाम रखा है। मैं तुम्हारे घर को सपनों का स्वर्ग समझ कर आई थी, मगर ये तो नरक निकला। आशा, आशा मुझे गलत मत समझो, मैं बिल्कुल वही इंसान था जिसके तुमने सपने देखे थे। मैं भी उसी रास्ते पर चलना चाहता था जिस रास्ते पर तुम चाहती थी कि मैं चलूं। मगर एक दिन बिना कोई गलत कदम उठाए मैं गंदी चालों के एक भंवर में फंस गया, और उस भंवर में ऐसा फंसा कि न तैर सकता था न डूब सकता था। विश्वास करो आशा, मैं सच बोलूं। मुझे तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं आशा, तुम खूनी हो, तुम रक्षार हो, तुम स्मगलर हो। आशा नहीं, अमर कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, मगर हमारे डिपार्टमेंट को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ सर, उसी डिपार्टमेंट को आखिरी सलाम करने आया हूं। ये मेरा इस्तीफा। क्या अमर, तुम इस तरह जोश में आकर अपने आने वाले कल को बिना मौत मत दफनाओ। नहीं सर, मैं तो अपने उस दफनाए हुए कल को कब्र से वापस निकालने जा रहा हूं। इस्तीफा देने के बाद जनता अमरनाथ के लिए पागल हो गई है। They've gone mad। शहर के हर बस्ती में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है। इतने कम वक्त में अमरनाथ को जितनी शोहरत मिली है आज तक किसी को नहीं। मगर सीताराम जी, हमारे लिए तो फायदे की बात है।
और हमारी सियासत की शतरंज की चाल ये कहती है कि अमरनाथ की शोहरत का फौरन फायदा उठा लेना चाहिए। मतलब? मतलब ये कि उसे मेरी कुर्सी पर बिठाकर फौरन हमारी पार्टी का लीडर बना देना चाहिए। सियासत की शतरंज की चाल। हिंदुस्तान के इज्जतदार शहरियों, भारत मां के सपूतों, आपका अमरनाथ आपके सामने हाजिर है। अमर जिसने मरकर सच्चाई को जिंदा रखना चाहा, आज कानून की जमीन पे बेघर होकर आपके सामने बैठा हुआ है। अमर कौन है? ईमान से ज्यादा ईमानदार, सच्चाई से ज्यादा वफादार एक पुलिस ऑफिसर। ऐसे पुलिस ऑफिसर को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? तो उसका जवाब यह है भाइयों कि ये हुकूमत, ये सरकार इनकी वफादारी के रास्ते में कांटे बिखेर रही थी, इन्हें तकलीफें पहुंचा रही थी। और ये सरकार, ये जनता की झूठी मददगार अमरनाथ को क्यों सता रही थी? इसलिए कि इसने मशहूर गुंडे अनिल राज को मार डाला, उसके बाद इंटरनेशनल स्मगलर कोया को अटाची को मौत के घाट उतार दिया, इसलिए बेचारा सरकार की नजरों से उतर गया। उनकी कुर्सियों की टांगें कांपने लगी, उन्हें लगा कि उनकी रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, बेईमानी के पोल दुनिया के सामने खुल के रख देगा, इसलिए उन्होंने उठाकर इसे मार फेंक दिया और हमने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया, अपनी पार्टी का नेता बना दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस राष्ट्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाकर अपनी सेवा का मौका जरूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे। दोस्तों, मैंने राजनीति पढ़ी है, इसलिए राजनीति के उसूल जानता हूं, और राजनीतिकों के साथ रहकर अब उनके दांव पेंच भी जान गया हूं। और मैं जानता हूं उन लोगों को जो स्वतंत्रता, देश सेवा, देशभक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को बेवकूफ बनाते रहे हैं, उनके जज्बात के साथ खेलते रहे, उनके साथ जुल्म और नाइंसाफी करते रहे। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उस जुल्म, उस नाइंसाफी को दूर करने के लिए आज मैं अपनी पुलिस की वर्दी उतारकर राजनीति के मैदान में कूद पड़ा हूं। और मैं कसम खाता हूं अपनी मां की कि उन बेईमान मक्कारों को, क्योंकि एक मुद्दत से गरीबों का खून चूसते रहे, खत्म करके रहूंगा। आज का दिन, आज की तारीख, आज का वक्त याद रखने के लिए आप सब गवाह हैं, ये साहिबान गवाह हैं और शंकर नारायण जी भी गवाह हैं, मैं उन्हें खत्म करके रहूंगा। जय हिंद। सब ठीक हो जाएगा, घबरा मत बेटी। मुबारक हो, लड़का हुआ है। आशा कैसी है? माँ और बच्चा दोनों ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। तुम्हारे बाप की परछाई इस पर नहीं पड़ने दूंगी, हाथ मत लगाओ इसे। बेटी मर गई आपकी बेटी, आप लोग चले जाइए यहां से, चले जाइए यहां से, चले जाइए यहां से। अमर बाबू की जय। अमर बाबू जिंदाबाद। अमर बाबू जिंदाबाद। अमर बाबू जिंदाबाद। अमर बाबू, आपके पार्टी के नेता चुने जाने पर सारे देश से मुबारकबादी की चिट्ठियां और तार आ रहे हैं। अब जब अमर बाबू हमारे नेता चुन लिए गए हैं, तो हमारा अगला कदम होगा इलेक्शन के लिए चंदा जमा करना, और उसका नाम होगा अमर वेलफेयर स्कीम। रोबक से खोला भाई। कैसे कर असली है भाई, कालाधन है, इसको खर्च करके हम वोट खरीदेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सरकार ने अगर पूछ लिया कि इतना पैसा कहां से आया, तो आप क्या जवाब देंगे? सरकार के पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जो लोगों से चंदा वसूल करेंगे, उसको इसमें मिला देंगे, तो काला धन सफेद हो जाएगा।
हाँ नहीं, मैं समझा नहीं। क्या है कि तुम गले में हार पहनकर हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराते हुए गलियों में चक्कर लगाओगे, हमारे वॉलंटियर डब्बे लेके तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। लोगों को मालूम है कि अमरनाथ के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा तो है नहीं, तो वो तुम्हें चंदा देंगे, 8 आने, 1 रुपया, 2 रुपया, और उस पैसे को लाकर हम इसमें मिला देंगे। दूसरे दिन अखबार में देंगे कि जनता ने अपने प्रिय नेता अमरनाथ को 1 करोड़ का चंदा दिया। हालांकि करोड़ तो हमारा होगा, उनका तो खाली 10-15 हजार ही होगा। तो ये है सियासत की शतरंज की चाल। भाई शंकर जी, आपके दिमाग को तो म्यूजियम में रखना चाहिए। क्या क्या आइडिया निकाल के लाते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं अमर बाबू, और भी बहुत आइडियाज हैं शंकर जी के दिमाग में। रातों को हमारे आदमी छुप छुप कर जाकर झोपड़पट्टियों में आग लगा देंगे, और बाद में हम जाकर उन बेघर और बर्बाद गरीबों को चंदा देंगे और मदद करेंगे, और मदद करके दिल जीत लेंगे, और दिल जीत कर इलेक्शन जीत लेंगे। भाई वाह, क्या बात है। असली सियासत और सियासत के शतरंज की चाल तो अब समझ में आ रही है। फूल लाया हूं मैं आपके लिए। हाँ, कैसे हैं आप? श्रीमान जी शंकर नारायण, नमस्कार। आपको मेरा नमस्कार। कौन है भाई? मैं भूपत। ये सरकारी पार्टी का आदमी हमारे यहाँ क्या कर रहा है भाई? अरे कर क्या रहा है साहब, मैं तो मन की बात बोलने आया हूँ। वो देखी बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्या है कि देश भर में अगर कोई पार्टी है तो हुजूर सिर्फ आपकी है, बाकी सब तो म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपैलिटी कचरा। अब साहब, मैं तो आपकी पार्टी का लाइफ बॉय मेंबर बनने आया हूँ। लाइफ मेंबर? हाँ वही, और मेरी तो ऊपर वाले से प्रार्थना भी है भाई, अगले जन्म में मुझे सीधा इन्हीं की पार्टी में पैदा करना। तो मतलब आप दल बदलने आए हैं? हाँ जी भाई। सारी जनता मेरी पार्टी की तरफ से इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी हाँ। वो क्या है कि श्रीमान जी शंकर नारायण, बात यह है कि इलेक्शन का जमाना तो लीडरों के सरकार दिखाने का जमाना होता है जी। एक पार्टी से उछल कर दूसरी पार्टी में जाना, और गिरती हुई कुर्सी को छोड़कर उभरती हुई कुर्सी को पकड़ना, ठीक है जी? ये तो आप अपने फायदे के कह रहे हैं, आपको अपनी पार्टी में लेके हमारा क्या फायदा है? अब जैसे ये हैं, बेतहाशा पैसे देने को तैयार हैं, वो साहब इनका सैमेल ला रहे हैं। अरे इनकी तो मैं मार दूँ। अरे भाई रख रहे भाई। अरे साहब इन्हें छोड़ो, मेरी बात सुनो, मेरे पास पूरी गुंडों की गैंग है जो आंख बंद करके मेरे पीछे चलती है। मेरे एक इशारे पे हुजूर जान ले लेती है और दूसरे इशारे पे जान छोड़ देती है। और अब रही असली बात, मेरे पास 5 लाख वोट है पॉकेट में। अरे पॉकेट में क्या, मैं तो कहता हुजूर यूं समझ लो कि ठप्पा मार के पार्टी बॉक्स में रखे हुए। पार्टी बॉक्स? बैलेट बॉक्स। ठीक है, हम तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और एक एमएलए की सीट भी दे देते हैं। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं,
अगर एमएलए बनना होता तो मैं यहाँ क्यों आता? वो तो मुझे सरकारी पार्टी बना रही थी साहब। तो फिर क्या बनना है? मुझे तो मिनिस्टर बनना है साहब, मिनिस्टर। मिनिस्टर? हाँ जी, 5 लाख वोट है। ठीक है, मंजूर है? मंजूर है। अरे हजूर, एक मिनट आइए। क्या? एक मिनट, इधर आइए। तो कहाँ शक में? यहाँ पर खड़ा जी। जाओ। हाँ, उठो उठो। भाइयों और बहनों, हम आपके सामने धुआंधार भाषण करके या झूठे वादों के सपने दिखा के, झूठी कस्में खा के आपका वोट ऐंठना नहीं चाहते। भाइयों, मसल मशहूर है, जर्फ जो खाली है सदा देता है, यानी कि खाली और खोखला बर्तन आवाज ज्यादा देता है, और भाइयों, भरा हुआ बर्तन पानी देता है, आवाज नहीं करता। हमारा निशान तो सच्चाई का फरमान है, आपके सामने है। हमारा मकसद आपके सामने है, और हमने देश के लिए क्या क्या किया वो आपके सामने है, और जो करने जा रहे हैं वो मंसूबे भी आपके सामने हैं। हमारी ये पार्टी आपकी पार्टी है, आप सबकी पार्टी है। इसलिए भाइयों, इस निशान पर अपना मोहर लगाइए और अपना कीमती वोट हमें नहीं, अपने आप को दीजिए, खुद को दीजिए। जय हिंद। दोस्तों, मैंने गरीबी में जन्म लिया, गरीबी की गोद में पला और बढ़ा, गरीबी की धूप छांव देखी है मैंने, इसलिए मैं जानता हूं कि गरीबों पर क्या बीतती है, और इसीलिए आज मैं इस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर आपसे ये विनती करता हूं कि मुझे अपना वोट देकर इस लायक बनाइए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। चुनाव शांतिपूर्वक समाप्त हो गए। वोटों को गिनने का क्रम शुरू हो गया है। चुनावों के नतीजे 1 घंटे के बाद प्रसारित किए जाएंगे। श्री सुब्रमण्यम को 20,000 वोटों से हरा दिया, और तिलक नगर में मिस्टर अमरनाथ 30,000 वोटों से आगे। हर इलाके में अमरनाथ की पार्टी आगे है। आज के मुख्य समाचार, तमाम निर्वाचित क्षेत्रों के नतीजों का ऐलान। गरीबों की पार्टी के उम्मीदवारों ने हर क्षेत्र में भारी संख्या में विजय प्राप्त की है। अब तक के नतीजे इस प्रकार हैं: गरीबों की पार्टी 182, नेशनल पार्टी 18 और इंडिपेंडेंस 5। हर इलाके में अमरनाथ की पार्टी आगे है। कंग्रेचुलेशन, अमरनाथ जीत गया। आज की ताजा खबर, अमरनाथ इलेक्शन में जीत गए। आज की ताजा खबर, अमरनाथ इलेक्शन में जीत गए। श्री अमरनाथ की गरीबों की पार्टी हर क्षेत्र में भारी संख्या के साथ जीत रही है। श्री अमरनाथ ने तिलक नगर में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री गिरधारी लाल को पराजित कर दिया है। श्री अमरनाथ निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। गरीबों की पार्टी ने राष्ट्र में जबरदस्त कामयाबी पाने के बाद श्री अमरनाथ को चीफ मिनिस्टर के लिए चुन लिया है। श्री अमरनाथ जल्दी ही मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे और अपने कैबिनेट के मंत्रियों के नाम घोषित करेंगे। अब श्री अमरनाथ खुद आपसे मुखातिब होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोगों को। बहुत
आभारी हूं मैं आपका कि आज आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका नेता बन सकूं। मुद्दतों से झूठे वादों पर हेलो राघवन। हाँ देखिए मैं अमरनाथ बोल रहा हूँ। आप कौन? अच्छा पर्सनल सेक्रेटरी। देखिए गवर्नर साहब से कहिएगा कि पहले मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ कैबिनेट की पूरी लिस्ट तैयार करके शपथ ग्रहण के लिए ठीक 11 बजे राजभवन पहुँच जाऊँगा। जी जी शुक्रिया। गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री के ओहदे को ईमानदारी से निभाने की शपथ लेने के लिए? हाँ। तुम्हारे पास जमीर नाम की कोई चीज है या उसे भी बेचकर वोट खरीद लिए हैं? अगर तुम जैसे लोगों के हाथ में इस देश का भविष्य आ जाए तो इसका अंजाम क्या होगा मालूम है? अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त नहीं, मैं बताती हूँ। इसका अंजाम तबाही होगा, बर्बादी होगा, क्योंकि तुम खूनी हो, कातिल हो, मातृभूमि का सौदा करने वाले हो। पहले तुम कानून के नौकर थे, इसलिए छुपकर बेईमानियां करते थे। अब तुम कानून के मालिक बन गए हो, अब तो तुम खुले आम दुश्मनों के बाजार में अपने देश को नीलाम कर डालोगे। ये सिर्फ तुम समझती हो, यहाँ की जनता नहीं समझती। जरा बाहर झांक कर देखो किस तरह पागलों की तरह मेरी कामयाबी की खुशियां मना रहे हैं वो लोग। आज ये बेवकूफ जनता खुशी में पागलों की तरह नाच रही है। कल जब उसे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो दुख के पागलपन में बाल लोच रही होगी। आज वो समझ रही है कि तुम उसके जख्मों पर मरहम रखने वाले हो, उसके आंसू पोंछने वाले हो। मगर उसे ये नहीं मालूम कि आंसू पोंछने के बजाय तुम उसकी आंखें फोड़ने वाले हो। वाह, दिल के बहुत अच्छे मुकाम पर तुमने अपने पति को बैठा रखा है। क्या इज्जत है तुम्हारे दिल में उसके लिए? तुम तो शायद ये भी नहीं चाहती होगी कि तुम्हारा पति मुख्यमंत्री बने। कभी नहीं, क्योंकि मैं अपने पति को अच्छी तरह पहचान गई हूँ। मेरा देश मुझे मेरे पति से ज्यादा प्यारा है। आशा, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। और मैं बड़ी बदनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। अगर मैं तुम्हारे लिए बदनसीब हूँ तो यह मेरा नसीब है, और नसीब बदलना मेरे हाथ में नहीं है। खैर देर हो रही, मुझे जाना है। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना, उससे क्या लेना है तुम्हें? जाने से पहले एक बार मिलना चाहता हूँ उससे। नहीं, तुम उसके करीब नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूँगी। आशा, मेरे बर्दाश्त की इंतहा हो गई है ये। अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं भी उसका बाप हूँ। बस उसी एक रिश्ते ने जंजीर बनकर मेरे कदमों को रोक रखा है, और मैं तुम्हारे इस घर में रह रही हूँ। वरना कह डाली अपने दिल की, लेकिन इस दिल में कितनी कहानियां कैद हैं, उलझनों के कितने जहरीले खंजर गड़े हुए हैं, ये न तुम अभी जान सकती हो ना ही मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं। बस एक ही तमन्ना है आशा, जाने से पहले एक बार मुझे मुन्ना को देख लेने दो। नहीं, कभी नहीं आशा, प्लीज। मेरे जीते जी तुम उसे नहीं मिल सकते। ठीक है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो यही सही। मैं तुम्हें शपथ लेने के लिए राजभवन नहीं जाने दूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता आशा, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, वो दिन जिसके लिए मैं मुद्दत से सपना देख रहा था। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरी बर्दाश्त का तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो आशा। और तुम लोगों की कमजोरी और जहालत का फायदा उठा रहे हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ आशा, हट जाओ सामने से, मुझे जाने दो। ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। पहले मुझे मार डालो, मेरी लाश को पैरों तले कुचल डालो, और बाहर जाकर दुनिया से कहो
के दूसरे नेता तो कुर्सी तक पहुंचने के लिए कालीन पर चलकर आते हैं, मैं अपनी बीवी की लाश पर चलकर आया हूं। बकवास बंद करो आशा, हट जाओ सामने से। मैं नहीं हटूंगी। आशा छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। शपथ ग्रहण का दिन है। दिन आ तो गया लेकिन अभी पूरा नहीं, मुझे इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अरे भूषण जी, क्या तमाशा लगा रखा आपने? चलिए अंदर चलिए। अमर भैया तुम मुख्यमंत्री बन गए, अब हमारे अच्छे दिन आ गए, अब ना कोई गरीब रहेगा और ना गरीबी। बस मौसी आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफल हो सकूं। भगवान मुझे कामयाबी दे बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आइए 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 मुख्यमंत्री जी। हम जानते हैं आपका वक्त कितना कीमती है, इसलिए आपका वक्त बर्बाद न करते हुए हमने मंत्रियों की पूरी लिस्ट पहले से तैयार कर ली है। अच्छा, तो लिस्ट आपने पहले ही से तैयार कर रखी है? हाँ, वो क्या है कि जरा जरूरी था। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बैठती है, सबसे पहले जो काम आपको करना है वो ये है कि पटवर्धन लाल जी को सीमेंट का कोटा सेक्शन करना होगा, भोले राम जी को स्टील का कोटा देना होगा और गणेश चतुर्वेदी जी को इंपोर्ट लाइसेंस। ये काम आपको सबसे पहले करने हैं, अर्जेंट जी। सीताराम जी जरा वो कैबिनेट की लिस्ट दीजिए। क्यों, कैसा लगा हमारा सिलेक्शन? एक मिनट जरा देखता हूं। मिस्टर विश्वनाथ कौन? अच्छा, ये वही मिस्टर विश्वनाथ है ना जिन्होंने एक बार बच्चों के खाने में मिलावट की थी और करीबन 500 बच्चे मर गए थे। उनको बनाया है फूड मिनिस्टर, खाद्य मंत्री। बहुत अच्छे, हमारी रियासत में आपसे ज्यादा लायक इंसान खाने का इंचार्ज और कौन हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। मिस्टर सरस्वती प्रसाद, इनको भाषा की एबीसी नहीं आती, अंगूठा लगाकर काम चलाते रहे ऐसे होशियार इंसान को एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। ये कौन साहब है? मिस्टर कमलेश्वर राव। हाँ, आप जिन्होंने सारी जिंदगी नकली नोट छापने का धंधा किया है, असली नोटों को तो कभी देखा ही नहीं। आप जैसे फरिश्ते को फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और विक्टर जयराज, जिनके पास अनिल राज जैसा गुंडा था और जो खुद न जाने कितने कत्लेआम, कितने खून करवा चुके हैं, ऐसे जमाने के हमदर्द को लॉ मिनिस्टर बनाया गया है, यानी कानून मंत्री की कुर्सी से नवाजा गया। वाह जनाब,
बी पति साहब सारी जिंदगी जो ब्लैक मार्केटिंग करते रहे, गैर कानूनी शराब बनाते रहे, गुंडागर्दी जिनका पेशा रहा, ऐसे भगवान के अवतार को एक्साइज मिनिस्टर बनाया गया है। और सीताराम जी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, अपने मुबारक हाथों से जिसने अपने दामाद का घर बर्बाद करके रख दिया, अपनी बेटी का संसार उजाड़ दिया, वो होम मिनिस्टर। और क्यों नहीं, घर उजाड़ने की जिसे पूरी मालूमात हो उससे अच्छा गृह मंत्री कौन हो सकता है। और अमरनाथ जब पुलिस की बाइज्जत नौकरी छोड़कर फर्ज और इंसाफ को भुलाकर सियासत के मैदान में कूद पड़ा, वो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, खुद के घर को तो सुखी रख नहीं सका, राष्ट्र को सुखी बनाने निकला है। वाह शंकर नारायण जी, बहुत अच्छे, आपके दिमाग की तो वाकई दाद देनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों की सरपरस्ती में यह देश बहुत जल्द उन्नति करेगा। अमरनाथ, क्या है कि लोगों ने हमारे गरीबों की पार्टी के लिए लाखों रुपया चंदा दिया है, अब इलेक्शन जीतने के बाद हम अगर इनको मौका नहीं देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम इनकी नजरों में गिर जाएंगे। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शंकर नारायण जी, हमें बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। देश भले गिर जाए, राष्ट्र की गर्दन कट जाए, लेकिन हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। और मैं तो ऐसा समझता हूं कि कुर्सी पर बैठने के बाद ये लोग जितनी जल्दी अपना लगाया हुआ माल सूद समेत वसूल कर लेंगे, उतनी ही जल्दी इस देश से गरीबी हट जाएगी, फकीरी बढ़ जाएगी। रोटी तो एक तरफ, गरीबों को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलने वाला। हे अमरनाथ बाबू, तुम हम लोग को तारीफ करते हो या गाली देते है? कान खोलकर सुन लो, अगर गाली देता है तो अपन तुम्हारा चलन कर डालेगा। मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ? नहीं मिस्टर भूपति, मैं आप सब लोगों को ये सब करने का मौका नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको और आपके तमाम साथियों को देश के साथ की गई बेशुमार वफादारियों का इनाम दूंगा। और वो इनाम है ये। वही है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है शंकर नारायण। मगर इसे यहां क्यों आए हो? अब अपने पिता स्वामी शंकर नारायण को डराने के लिए? वो तो मेरे बेटे जैसे हो ना। चुप बैठे मगरमच्छ, यहां सो का नाटक बहुत पुराना हो चुका है, बंद करो इसे। अमर बेटा मेरी तो सुन, मैं तेरा ससुर हूं। ससुर? आप ही ने मुझे सिखाया था ना कि सियासत की दुनिया में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, यहां तक इंसान खुद अपना नहीं बल्कि सिर्फ कुर्सी का होता, यही सिखाया था ना आपने? कादर, अगर तुम में से किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे टुकड़ों को सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ा देगा। बैठो। हां तो ससुर जी, तुम्हें और शंकर नारायण को तो मैं उसी दिन खत्म कर देना चाहता था जिस दिन तुम दोनों ने मुझे अपने साथ मिलने की धमकी दी थी, 4 घंटे की मोहलत दी थी, याद है? वो 4 घंटे मेरी जिंदगी में 4 सदियों की तरह गुजरे। हाँ शंकर नारायण, मैं तो उसी दिन तुम दोनों को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिर्फ तुम दोनों को मार के इस धरती से जुर्म और पाप खत्म नहीं होगा। अगर खत्म करना ही है तो पाप के उस पूरे पेड़ को जड़ समेत इस जमीन से उखाड़ कर फेंकना होगा। और आज वो जुर्म का पेड़ या टहनियों और पत्तों समेत मेरे सामने मौजूद है, और इस पेड़ की होली मैं आज जला के रहूंगा। नहीं अमर, नहीं प्लीज। अरे अमर भाई, अरे भाई अपने को मंत्री नहीं बनेगा भाई, अरे अपने को कुछ नहीं बनेगा, अपने को कुछ नहीं चाहिए भाई। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए भैया। हाँ मुझे भी नहीं चाहिए। नहीं किसी को कुछ नहीं चाहिए, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब सब। जो मन में ऐसे करो प्लीज। अच्छा, अपनी जिंदगी पर मौत की परछाई पड़ने लगी तो शतरंज की चाल भूल कर मेरी चाल चलने पर तैयार हो गए। अब पता चला जिंदगी कितनी प्यारी होती है। अलग राज के जरिए तो तुमने लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उस वक्त तुमने कभी यह सोचा कि सियासत की बेदी पर जिन गरीब बेगुनाहों की बलि तुम चाह रहे हो
उन्हें भी उनकी जान प्यारी है। उस समय तुम्हें कभी किसी पर रहम आया, किसी से हमदर्दी जताई? अमर ये तो सोचो कि हमें मारकर तुम खुद भी नहीं जी सकोगे, हमें मारकर तुम खुद भी फांसी के तहत उतर जाओगे। शंकर नारायण, मैंने तो कफन की तैयारी उसी दिन कर ली थी जिस दिन मैंने पुलिस की वर्दी उतार कर राजनीति का छोड़ा पहन लिया था। इस ढेर को देखकर तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो आशा? तुम्हारा पति यहां मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के लिए नहीं आया, बल्कि अपने मां से किए हुए वादे को पूरा करने आया था। इस देश की जड़ों में जो बेईमानी की दीमक लग गई थी उसे साफ करने आया था। आज घर से निकलने से पहले मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मेरी जिंदगी का वो दिन है जिसका मुझे एक मुद्दत से इंतजार था। यही था मेरा इंतजार, मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आई हो आशा। इस रिवॉल्वर की गोलियां तो मेरे सीने में उतारना चाहती हो। अपने पति से ज्यादा तुम्हें अपने देश, अपने मुल्क, अपनी समीत से प्यार है। तुम अपना सुहाग मिटा सकते हो लेकिन अपनी मातृभूमि का सुहाग मिटता हुआ नहीं देख सकते। मुझे तुम पर नाज़ है आशा, फख्र है मुझे तुम पर। तकदीर वाला हूं मैं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। मुझे माफ कर दो अमर, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बदनसीब हूं कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तकदीर वाले तुम नहीं, तकदीर वाले तुम्हें हो। तुम उन लोगों में से हो जिनकी पत्नियां कभी विधवा नहीं बन सकती। रोती दुनिया तक तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा और जब तक तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा तब तक मेरा सुहाग जिंदा रहेगा। सॉरी सर, मैं वक्त की धारा के साथ बहता हुआ ऐसी जगह पहुंच गया था जहां मुझे कानून को अपने हाथों में लेना पड़ा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये लीजिए, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं।
प्रताप, विश्वास मुझे दिया, मुझे अपना नेता चुना, अपने दुख और तकलीफों की दुनिया से गम और गरीबी का अंधेरा मिटाने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन मैंने देखा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये लोग मुझे आपके आंसू पोंछने नहीं दे रहे थे, इसलिए आज मैं इन्हें खून के आंसू रुला कर आ रहा हूं। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी हासिल करने के बाद हम लोग जिनकी गुलामी में गिरफ्तार हो गए थे, आप मैं हम सब गुलामी की उन जंजीरों को आज मैं काट आया हूं। मेरे लिए तो आज का दिन बड़ा शुभ है, क्योंकि जो विश्वास, जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी थी वो मैं पूरी कर सका। मेरे लिए मेरी जिंदगी पूरी हो गई, जीवन का एक अर्थ मिल गया। बस एक बात और कहना चाहूंगा कि यह मेरा विश्वास है कि जब जब इस देश में शंकर नारायण जैसे राक्षस अपना सर उठाएंगे, तब तब उन्हें नष्ट करने के लिए एक अमरनाथ जरूर पैदा होगा। बोलिए इंकलाब, इंकलाब।